दोस्तों कैसा है, हमें चैप्टर नंबर वन, ओके, सो नाउ यू आर अपीयरिंग फॉर मे 22 एग्जामिनेशन, राइट? सो हैव टू रिवाइज द एंटायर इकोनॉमिक्स, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी स्टार्ट, ओके, आप लोग पहले तो समझ लीजिएगा, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर फॉर इकोनॉमिक्स, और आपने क्या करना है, वहां पे आना है, लेटेस्ट इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा रहा हूं मैं, इकोनॉमिक्स में ये चार्ट्स, ओके? आप सभी लोगों से कहना है चैप्टर वन के अंदर दो चार्ट्स है, राइट? ये चार्ट दिख रहा है आपको, ये चार्ट दिख रहा होगा, इसको रिवाइज करें, और ये वाला, मैं इसमें से आपको कुछ भी सवाल पूछूंगा, रैंडमली आपको आना चाहिए, मैं किसी भी इंसान को यहां पे बुलाऊंगा, आई वॉन्ट द फुल 100%। चैप्टर नंबर वन, यूनिट नंबर वन टू बहुत छोटा सा है, और उसके बाद में चैप्टर नंबर टू, यूनिट नंबर वन, ये तीन चार्ट आपको बैठे हुए, आपने इसके समरी चार्ट्स भी बनाए हुए, दिस रिविजन इज गोइंग टू गिव यू एम्पल ऑफ मार्क्स, बिकॉज बहुत अच्छे, यही तो एग्जामिनेशन में पढ़ना है हमें, ठीक है ना? तो दिस, ये तीन यूनिट्स आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैं अभी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, समरी चार्ट बना चुके, एक बार आप अपने आपको टाइम दीजिए, सो दैट आई कैन आस्क, देन यू विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड, ओके? टेक 5 मिनट्स, टेक 10 मिनट्स, पर पूरा एक बार करो अच्छे से। चैप्टर वन के सिर्फ 2 यूनिट है और चैप्टर नंबर टू का 1 यूनिट है, 3 चार्ट्स करो जल्दी से, इसका समरी चार्ट भी बना के दिए थे, और नहीं है तो ये चार्ट देख लीजिए, जल्दी से करो, पूरा डिटेलिंग आना चाहिए। मैं कुछ भी पूछूं फिर आप क्या, इसके अंदर क्या करो, आप जैसे आपका पढ़ना हो गया ना, सिर्फ रिकॉल करो ये कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, वो कॉन्सेप्ट का मतलब, आपके पूरा माइंड मैपिंग कर लो एक बार, फिर मैं पूछूं तो आपको आना चाहिए। आपने पढ़ लिया सब कुछ? Have you read all the charts, guys? Guys, have you read everything? Yes, sir. पूरा पढ़ लिया आपने? Yes, sir.
Can I proceed now? Yes, so, ladies and gentlemen, let's start. Every one of you. Yes, we are going to study the chapter number one, unit number one. ये बहुत ही महासंग्राम वाला लेक्चर आज आपकी जिंदगी में होने जा रहा है विद इन द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 1.5 आवर्स. हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर जाएंगे और उसके पश्चात फिर हम लोग आपको बताएंगे कि इकोनॉमिक्स एफएम की पढ़ाई कैसे होना चाहिए एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी एंड व्हाट फैक्टर्स आर टू बी कंसीडर व्हाइल राइटिंग द पेपर. और इसके साथ साथ में हम लोग इस पूरे सब्जेक्ट को आज हमेशा के लिए अलविदा करेंगे. ओके, सो कैन यू प्लीज आंसर माई क्वेश्चन दोस्तों. चैप्टर नंबर वन, यूनिट नंबर वन, आप बताएंगे दोस्तों जीडीपी किसको बोलते हैं. जीडीपी इज व्हाट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द सेम फाइनेंशियल ईयर या कोई भी पीरियड जो आपने दिया होगा उसमें आप बता दीजिएगा. वो टूड़ा ये यहां पे जीडीपी में वो आता है जो भारत में चाहे भारतीयों ने किया हो चाहे भारत के बाहर वालों ने किया होगा. यानी कि भारत के टेरिटरी में जितना भी प्रोडक्शन हुआ होगा उसका नाम जीडीपी होगा. दोस्तों जीएनपी की बात करेंगे. भारतीयों ने भारत के अंदर क्या होगा या भारत के बाहर क्या होगा वो सब जीएनपी में आता है. अगर मैं जीडीपी से जीएनपी पे चले जाऊं तो जीडीपी पे क्या प्लस माइनस करेंगे आप. जीडीपी में क्या करेंगे. जीडीपी में नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसको क्या करेंगे एड कर देंगे. यानी कि जो इंडिया के याद करो जीडीपी के अंदर जो भारत के बाहर के लोगों ने इंडिया में किया उसको माइनस करेंगे और जो मुकेश अंबानी ने बाहर किया उसको ऐड कर देंगे. उसको हम लोग जीएनपी बोलते हैं. दोस्तों अगर मैं आपसे पूछता हूं आप बात करेंगे जीडीपी में और जीएनपी में. नहीं, जीडीपी में और एनडीपी में क्या फर्क होगा. सर ग्रॉस से नेट पहुंचने के लिए आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा. फिर अगर मैं जीएनपी को मैं एनएनपी चलाता हूं तो अगेन जी से नेट पे आने के लिए आपको डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा. दोस्तों ये इतने कम समय में हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं. प्लीज पे योर 100% अटेंशन. है ना कि आपको ऐसा लगेगा वाओ इतने कम समय में पूरा के पूरा इकोनॉमी सामने है. हाँ, आगे आप बात करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या क्या डिफरेंस है. फैक्ट्री कॉस्ट प्लस व्हाट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा मार्केट प्राइस होगा. दोस्तों नॉमिनल और रियल में दो देश के पंत प्रधान एक देश के दो पंत प्रधान का अगर आपको परफॉर्मेंस चेक करना है तो आपने रियल पे करना चाहिए. आपको आज के तारीख में लगता होगा कि मोदी जी की वजह से देश का जीडीपी बढ़ा है पर इसमें अगर आप नॉमिनल से जाएंगे तो क्योंकि हो सकता दोनों की क्वांटिटी सेम हो पर हो सकता दोनों का प्राइस अलग होगा. इसलिए आपको मोदी जी का नॉमिनल वाइज जीडीपी ज्यादा दिखता होगा. अगर आपको सच में उनके बीच में कंपैरिजन करना है तो आप रियल वाइज जाइए क्योंकि दोनों का बेस प्राइस मल्टीप्लाई जब करोगे तो सेम आएगा. यानी कि अगर आपको मोदी जी को आगे बढ़ाना है और रियल यूज करना है तो उनका वो तभी विकास हो सकता है जब क्वांटिटी ज्यादा होगी. आगे बढ़ना होगा. पर कैपिटल इनकम किसको बोलते हैं. टोटल जीडीपी डिवाइड बाय व्हाट टोटल नंबर ऑफ पीपल यानी कि पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो फिर आपका पर कैपिटल इनकम आ जाएगा. यानी कि टोटल नेशनल इनकम डिवाइड बाय व्हाट टोटल पॉपुलेशन आ जाएगा पर कैपिटा इनकम. डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम यानी कि जो भी पर्सनल इनकम है उसमें से टैक्सेस को माइनस कर देंगे. आपसे मेरा प्रश्न होगा जवाब दे दो. मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम करने के तीन तरीके. प्रोडक्शन का तरीका होगा. मान लीजिए पूरे देश में पतंजलि नाम की एक ही कंपनी है और बाबा रामदेव ने एक किलो घी बनाया और घी का रेट है 1000 रुपए पर केजी और 1 किलो का ही प्रोडक्शन हुआ होगा तो हम कहेंगे पूरे देश का जीडीपी 1000 ही होगा. यह तरीका प्रोडक्शन वाला है. पर आप जानते हैं कभी कभी प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन अगर नहीं मिली ना तो आपको इनकम वाइज जाना पड़ता है. हो सकता है ये सब काम करने के लिए बाबा ने कुछ रेंट दिया होगा, बाबा ने कुछ वेजेस दिए होंगे, बाबा ने कुछ इंटरेस्ट दिया होगा और बाबा ने खुद का प्रॉफिट रखा होगा. मान लो एग्जाम्पल घड़ी भर के लिए 1,00,000 रुपए बाबा का एक हो सकता है बाबा ने 100 किलो घी का मैन्युफैक्चरिंग किया होगा और 1,00,000 रुपए पूरे टोटल घी की कॉस्ट है यानी देश का जीडीपी 1,00,000 रुपए हो गया.
पर हो सकता है हमारे पास प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, पर दोस्तों ये पैसा 25,000 गया इंटरेस्ट के लिए, 25,000 गया वेजेस के लिए, 25,000 गया किसके लिए, रेंट के लिए, और 25,000 रुपए बाबा का मुनाफा हुआ। अब दोस्तों ये सारा पैसा जाया चार लोगों के बीच में, वेजेस किसने दिया, वर्कर, तो वर्कर की इनकम, बाबा की इनकम, बैंक के इंटरेस्ट की इनकम, और दूसरा जिसका जिसकी प्रॉपर्टी थी वो ओनर की इनकम, चारों को मिला देंगे ना तो वो भी 1,00,000 रुपए दिखेगा। यानी कि दोस्तों वो कहानी ऐसे होती है, 1,00,000 रुपए प्रोडक्शन से निकालेंगे, हाँ बोलो, प्रोडक्शन से भी निकालेंगे तभी भी उतना ही जाएगा, आगे बोलो ना, आपने इनकम से किया तभी भी उतना ही आएगा, बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं मैं। मित्रों अगर ये 1,00,000 रुपए है तो इनमें चार तरीके से पैसे क्योंकि एक तो रेंट, एक तो वेजेस, एक तो इंटरेस्ट और एक तो प्रॉफिट। तो हो सकता है ये 25, ये 25, ये 25 और ये 25, इन चारों को टोटल कर देंगे ना तो बोलेंगे सर अगर अपने पास में प्रोडक्शन है, अपने पास में प्रोडक्शन है, अपने पास में प्रोडक्शन है, तो फिर दोस्तों इनकम की जरूरत क्यों है, क्योंकि कभी कभी समटाइम्स इट में हैपन दैट यू डू नॉट हैव द इंफॉर्मेशन फुल अवेलेबल फॉर व्हाट प्रोडक्शन, देन इन केस व्हाट कैन, आप क्या बोलेंगे सब लोग अपनी अपनी इनकम बताओ, उन इनकम को जोड़ दो, वो भी तो देश का जीडीपी निकलेगा। पर ये दोस्तों कभी कभी लोग अपनी इनकम छुपाते हैं इनकम टैक्स न भरने के लिए, पर दोस्तों इनकम छुप सकती है, खर्चे नहीं। आखिरी तरीका पता है, अगर बाबा ने 25,000 कमाए होंगे तो बाबा एक तो सी करेंगे, नहीं तो आई करेंगे। जिसने 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 जो बैंक ने पैसा कमाया होगा वो एक तो सी करेगा या तो आई करेगा, यानी दो तरह, एक सी आई सी आई सी आई सी आई सी आई, और सबके सी आई को, हाँ तुम बोलो ना, तुम आ करते बस। दोस्तों अब देखो ये प्रोडक्शन तरीके से 1,00,000 रुपए थे, बराबर बोल रहा हूं क्या, तो ये चार तरीके से पैसे गए होंगे, एक वेजेस के, एक रेंट के, एक प्रॉफिट के और इंटरेस्ट की। ये 25 25 25 25, ये भी तो 1,00,000 ही हो रहा है, इसको बोलते हैं इनकम तरीका। पर लोगों ने इनकम कमाया तो कुछ खर्चा भी किया होगा, सी के लिए आई के लिए, सी के लिए आई के लिए, सी के लिए आई के लिए, सी के लिए आई, सी यानी कंजम्पशन, आई यानी कि इन्वेस्टमेंट। मान लो 10 15 10 15 10 15, 10 का खाया होगा 15 इन्वेस्ट। तो ये ना कि अगर आपके पास में ये इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको सबका सी और सबका आई पता है, सबको मिला दो ये संख्या भी 1,00,000 आएगी, बोलो ना ये भी संख्या 1,00,000 आएगी। क्या कहोगे इस तरीके को, इसको कहेंगे एक्सपेंडिचर। बताओ इसका नाम एक्सपेंडिचर क्यों है, क्योंकि हम लोग लोगों का इनकम नहीं देख रहे, उन्होंने कहां पे पैसा उड़ाया उसका, सबके जितना सी और सबका जितना आय होगा सबका टोटल कर देंगे तो वो भी 1,00,000 आएगा। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है इररेस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ व्हाट द मेजरमेंट ऑफ जीडीपी, योर जीडीपी शैल रिमेन सेम, इट हैज टू बी 1,00,000। अरे बोलो ना, इधर भी एक, इधर भी एक, उधर भी एक, सब तरफ 1,1,1, इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एग्जामिनेशन में सवाल पूछा था सर्कुलर फ्लो, चलिए तो सर्कल पूरा हुआ ही नहीं है बेटा, हुआ है क्योंकि ये सी मिलके सी 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 सी, ये सब वापस से दुकानदारों के पास पैसा जाएगा और दुकानदार वापस माल बनाएगा, हो सकता है सी वापस घी खरीदेंगे लोग, वापस घी बनेगा। दोस्तों आपसे मेरा प्रश्न है, ये सर्कुलर फ्लो कैसे होगा, बिकॉज जो लोग कंजम्पशन करेंगे अगेन द फंड्स विल बी सेंड टू द एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर क्या बनाएगा, वापस प्रोडक्शन करेगा, वापस पैसा इनकम वाले के पास में आएगा, वो वापस खर्च, इसी का ही नाम होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने ये रहा, आप बताएंगे मित्रों मेरा प्रश्न है जीडीपी के ड्रॉबैक्स क्या है। यहाँ पे हमने याद करो हाई वाईफाई, ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है May 22 और November 22 के लिए, बिकॉज दोस्तों FM के साथ साथ में इकोनॉमिक्स वो भी एक दिन में पढ़ना है, खत्म करना है, इसको बहुत टाइम लगता है। पर अगर ये लेक्चर आपके साथ में होगा डोंट वरी, बिकॉज ये 8th पेपर होगा, एनर्जी पूरी ड्रेंड आउट होगी, ऐसे समय पे आपको ये लेक्चर बहुत आगे ले जाएगा। इस लेक्चर को यूट्यूब पे भी दिया जा रहा है ताकि आप इसको जब भी मन करे इसको लगा दिया। ओके दोस्तों, हाई
दोस्तों आपने यहाँ पे ऑलरेडी किया है इसका, ये है हाई, कहाँ पे है ये वाला हाई वाईफाई किया था, बोलेंगे दोस्तों एच फॉर व्हाट, कम ऑन एवरीवन। देखो जिस कंट्री का जीडीपी अच्छा है जरूरी नहीं है कि वहां की लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, यानी कि जीडीपी डज नॉट शो द क्लियर पिक्चर। आई फॉर व्हाट, इलीगल चीजों को जीडीपी, यानी कोई बेटिंग में पैसे हारता है, कोई आईपीएल में हारता है जीतता है, वहां की इनकम को इधर कंसिडर नहीं किया जा रहा है। हाई फाई एफ फॉर व्हाट, हाँ एफ बोल दो पहले, अभी फेयरनेस। देखो दोस्तों कभी कभी हो सकता है कोई कंट्री का जीडीपी कम होगा, पर वहां पे लोग बहुत फेयर होंगे। ये जीडीपी बोलता है कि जीडीपी है, इस जीडीपी की वजह से दो कंट्री की तुलना करना ये सही बात नहीं। हमेशा कभी कभी हो सकता है कुछ पैसों से कम होंगे, पर दिल के अच्छे होंगे। हाँ आई पर बोलो इनोवेशन। देखो कुछ कुछ कंट्री में इनोवेशन बहुत हो रहा है, जो हो सकता है जिनकी आज जीडीपी कम है फ्यूचर में, हाँ वो लोगों का जीडीपी में कंसिडरेशन नहीं हो रहा है। हाई वाईफाई, वी पर बोलो। अभी कोई इंसान अपने माँ बाप की मदद कर रहा है, सर्विस दे रहा है उनको, दोस्तों यहाँ पे जीडीपी में वो कंसिडर नहीं हो रहा है, कितनी गलत बात है। आई फॉर बोल दो, और यानी कि जो अनरिपोर्टेड इनकम है, ब्लैक मनी। दोस्तों सोचो जीडीपी जो इंडिया का 3 ट्रिलियन दिख रहा है, ये तो व्हाइट में चल रहा है, और ब्लैक आ जाएगा, सारे पॉलिटिशियन का करप्शन अगर आ गया माहौल बन सकता है, हो सकता है 10 ट्रिलियन पे आ जाए। दोस्तों हो सकता है हम लोग ही सुपर इकोनॉमी बन जाएंगे। तो दोस्तों ये जीडीपी जो है ये सही दर्शन नहीं दे रहा है, ये आपकी आंखों में, हाँ इट इज डजंट शो यू द क्लियर पिक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज इट कंसिस्ट ओनली व्हाइट मनी। तो दोस्तों हाई वाइफ, और एक आए बचा है, ये जो पर कैपिटा इनकम का जो तरीका है ना, ये सही नहीं, ये गलत है। हो सकता है बोल रहा है इंडिया के ऑन एन एवरेज लोगों की इनकम 2 लाख, हाँ पर ये 2 लाख रुपए बोला, अरे हो सकता है दोस्तों, आप तो जानते हैं इंडिया में जो टॉप 1% लोग हैं वही 80% तक की हाँ वेल्थ रखते हैं, यानी कि पर कैपिटा इनकम जो दिखाई जा रही है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे भले ही इंडिया की 2 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम होगी, पर कुछ लोग 10,000 के लिए मोहताज होंगे। यानी भारत देश की पर कैपिटा इनकम जो बताई जा रही है वो गलत शो हो रहा है। हो सकता है कुछ लोग के खाने के लाले होंगे, कुछ लोग हो गए शाम का है तो सवेरे का नहीं है। तो दोस्तों ये जो पर कैपिटा इनकम, ये दिस इज नॉट राइट। हाँ आप बात करें दोस्तों हाई वाईफाई, एक बार बोल देंगे जल्दी से, हाँ चलो, हाँ हाई एच फॉर वो हेल्थ को ऐसे इलीगल, डब्ल्यू है क्या, वॉलंटरी, यानी कि वॉलंटरी जो काम कर रहा है अपने माँ बाप की जो हेल्प कर रहा है, वहां पे अनरिपोर्टेड इनकम को नहीं लिया जाता है। फेयरनेस की बात करेंगे, क्या फेयरनेस, दिल के अच्छे लोग है, फेयरनेस है कुछ कंट्री में, पर वो जीडीपी में पीछे है, फिर भी लोग बोलते हैं कि वो खराब है, पैसों से कम है पर दिल के अच्छे है। ऐसे बोलिए क्या, जिस कंट्री में बहुत इनोवेशन होगा आज, भले ही जीडीपी में पीछे है। आई फॉर बोलिए, हो गया ना, आया ना बेटा ये, हाँ ये पर कैपिटा इनकम आ गया इधर, ये अनरिपोर्टेड इनकम है, यानी कि हमारा जो पीसीआई जो पर कैपिटा इनकम है गलत पिक्चर शो कर रहा है। दोस्तों इसी के साथ में यूनिट वन आपका, देवी और सज्जनों में आपको कहना चाह रहा हूं, चैप्टर वन यूनिट नंबर 1-2 में भी और चैप्टर नंबर 2 में भी हमारे पास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, इसका सेपरेट लेक्चर मैं वो भी यूट्यूब पे डालने वाला हूं, ताकि पूरे मॉड्यूल्स के अंदर जितने भी ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको जो लोग पुणे में वो जरूर करें, मेरे पास में जब रखूंगा 2-3 दिन में, आप आ जाना, उसको एक बार कर लेंगे हम लोग, बाकी लोग जो नहीं है आवाम के लिए पूरे देश के लिए ऐसा लेक्चर बना देंगे। देखो सीखेगा इंडिया, तो दोस्तों हम लोग जरूर ये लेक्चर को, ये जो अभी चल रहा है वो भी यूट्यूब पे, ताकि आप कभी भी क्लिक करो, दोस्तों सबका फायदा होना चाहिए, सबका साथ होगा दोस्तों, पर आज आज आपका विकास सबका हो जाएगा।
मोरिना ओके क्षमा चाहते हैं इस गुस्ताखी के लिए। दोस्तों आपके सामने यूनिट नंबर देखो क्या बोलता रे भाई, इसको ऑन करना जरा टीवी को। दोस्तों बातों ही बातों में आपका यूनिट वन खत्म हो गया होगा, आप बताओ आपको रिकॉल हो रहा कि नहीं हो रहा। अरे मैं कह रहा हूं ना, आप तीन चैप्टर ऐसे करेंगे ना, मैं जा रहा हूं यूनिट नंबर टू पे हूं मैं। दोस्तों जितना विश्वास आपको एफएम पे उससे ज्यादा विश्वास अपने को किस पे चाहिए, देखते हैं एपीसी एमपीसी एपीएस देखते किसको क्या आ रहा है। आप बोलो चलो हाँ, अगर किसी का इनकम 1000 है और कंजम्पशन 600 है तो क्या कहेंगे, एवरेज ये 0.6 है तो एपीएस कितना होगा, तो एपीसी का फॉर्मूला बोलो सही है और इसका क्या है। दोस्तों अगर आपकी इनकम पहले 1000 थी, 1000 से हो गई 2000, आपका पहला 300 खर्चा था वो हो गया 500, यानी कि आपका ये थी आपकी वाई, ये थी आपकी कंजम्पशन। दोस्तों आपका डेल्टा वाई कितना है और आपका डेल्टा सी कितना है, यानी कि आपकी इनकम डबल हो जाती है पर आपके खर्चे डबल नहीं होते हैं। इसी को आप देखते बच्चों, अब ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग तभी सॉल्व कर सकते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसलिए अगले सेशन को देखना मत भूलिएगा, पर उसका फाउंडेशन ये है, ये ही। अब उसमें एमपीसी एपीसी के प्रॉब्लम आएंगे, उसमें जीडीपी का प्रॉब्लम आएगा, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व अनलेस यू नो द कॉन्सेप्ट। इसलिए बिलीव मी कॉन्सेप्ट्स आर हाईली इंपॉर्टेंट। दोस्तों अगर मैं आपसे एमपीसी पूछूंगा वापस से डेल्टा डेल्टा सी, आप 1000 रुपए से इनकम बढ़ा और दोस्तों यहां पे मैं बात करूंगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये तो पता है ना कैसे करते हैं। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, मार्जिनल और एवरेज ये शब्दों में क्या फर्क है। एवरेज मतलब ऑन एन एवरेज आप कितना खर्चा करते हो, मार्जिनल मतलब आपकी इनकम इतने से बढ़ी तो आपका खर्चा कितने से बढ़ता है, यानी कि आपकी इनकम जो थी अब कितने से बढ़ी है? तो यहां पे बढ़ा था डेल्टा, क्या बोलेंगे डेल्टा। याद रखना दोस्तों एवरेज के वो शब्द में एवरेज लिखा है, मार्जिनल शब्द हमेशा एक बेस को आगे ले जाता है, ये बेस है आपका, इससे इतनी इनकम बढ़ी तो ये मार्जिनल कहलाया जाता है। एग्जामिनेशन में उल्टा पुल्टा मत करना, मार्जिनल मतलब पुरानी वाली से कितना बड़ा। ओके दोस्तों, अरे यार प्लीज 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 दोस्त एक मैं आपसे माफी चाहता हूं, आगे बढ़े। कंजम्पशन C is equal to A plus BY. C is equal to A plus BY. आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, अभी आपकी इनकम 1000 से 1000 यानी कि डबल हो गई पर आपके खर्चे डबल नहीं हुए हैं, क्यों? क्योंकि मित्रों, क्योंकि आप जानते नहीं, सही सही पकड़े हैं, क्योंकि चाहे चाहे इंसान जो है, चाहे कितना भी गरीब हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे वो अड्डानी हो, वो रोटी तो तीन ही खाएगा, उतने ही राइस खाएगा, यानी कि आपका ए जो है इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, योर बी इज द फंक्शन ऑफ वाई, आपकी घड़ी आपका गाड़ी आपके बंगलो आपके आपके कपड़े, हो सकता है ये वाई के हिसाब से चेंज हो, घड़ी का ब्रांड चेंज होगा, कपड़ों का ब्रांड चेंज होगा, गाड़ी का चेंज होगा, बंगलो चे, पर रोटी गेहूं की खाएगा। दोस्तों बेटा आप क्या बोल रहे, क्या क्या बोलना है आपका?
दोस्तों C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। मैं कह रहा हूं आप सभी लोग समझे, आज का लेक्चर अति महत्वाचार हाईली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लेक्चर मैं आपको बोल रहा हूं आने वाले पूरा मिला के 90 मिनट्स में सारे चैप्टर्स टोक देंगे। आप सोचो ये जिस चीज को पढ़ने के लिए हमने 20 दिन का वक्त लगाया वो चीजें हम लोग 90 मिनट्स में पढ़ेंगे, यानी कि 30 आपको ये भी पता होगा कि ये जो चार्ट्स मैंने बनाए थे उसके व्यतिरिक्त भी अलग एक चार्ट और बनाया था, तो आप साथ में दोनों भी चार्ट को देख सकते हो। पर इतना मुझे आपको एहसास दिलाना है कि इकोनॉमिक्स में हम रॉक करेंगे, आग लगा देंगे आग। दोस्तों आप बताओ, अगर दम है ना तो जवाब दीजिए, इसमें से ए क्या है और बी क्या है? ये थोड़ा वेरिएबल है, जैसे कि ये आपका रोटी आएगा रोटी। अब ए क्या है कि आपका बहुत पैसे वाले होंगे तो आप रात दिन खाएंगे, ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत लगभग। पर दोस्तों ये जो वाई है ये आपके इनकम से प्रोपोर्शनली बढ़ता है, जैसे गाड़ी, जैसे बंगलो, जैसे आपकी वॉचेस, ये सारी चीजें ये बी होती है, विच इज द फंक्शन ऑफ वाई। एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, कंजम्पशन इक्वल टू ए प्लस बी वाई। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, मल्टीप्लायर बोल दो, मल्टीप्लायर आपने इंडिया में, आप जानते हमने एग्जाम्पल में लिया था, इंडिया में 52 बिलियन डॉलर ये जापान ने लाया था, उसके बाद में भारत के अंदर 52 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी फैक्ट्रीज गुजरात में खोली गई होगी, तो उससे ये पैसा आया किसके पास? फर्म के पास। फर्म ने ये पैसा हो सकता फैक्ट्री के लिए वेजेस के फॉर्म में दिया होगा, तो कुछ वेजेस गए होंगे, कुछ रेंट गया होगा, कुछ इनकम और कुछ इंटरेस्ट गया होगा। ये सारा का सारा जब फैक्ट्री बनी तो बनने के लिए ये बना तो उसका कुछ रेंट दिया होगा, फिर जो भी है इन्होंने कुछ वेजेस दिए क्योंकि लोग आए होंगे काम करने के लिए, तो सारा पैसा ये आ गया हाउस होल्ड के पास। अब हाउस होल्ड तो छुप नहीं बैठेगी, अब हाउस होल्ड कुछ खाएगी, हॉस्पिटल जाएगी, मूवी जाएगी, पेट्रोल भरवाएगी, टेलीकॉम पे बातें करेगी, इंटरनेट करेगी, कपड़े पहनेगी, दोस्तों एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करेगी, किराना शॉपिंग करेगी, ग्रोसरी में जाएगी, सुपर शॉपिंग में जाएगी, और सारा पैसा हाउस होल्ड से कहां जाएगा? पर दोस्तों प्रॉब्लम है, यहां पे आएगा लीकेज। अगर मान लीजिए ये 20% है, हर आम आदमी जब पूरा पैसा कमाता है पूरा इंडिया में तो कम से कम लोग पूरा खर्चा नहीं करते हैं, अगर ये 50 बिलियन आए थे तो दोस्तों उन्होंने 10 बिलियन डॉलर को बाजू में रख दिया और अभी मार्केट में 40 बिलियन आ गए, ये पहले आए थे 50, अब 40 बिलियन और फर्म के पास गए, फर्म हो सकता है हॉस्पिटल था, फर्म हो सकता है कोचिंग क्लासेस थे, फर्म हो सकता है ग्रोसरी शॉप थे, फर्म हो सकता है कोई गाड़ी का शोरूम था, फर्म हो सकता है कोई सिनेमा हॉल था, फर्म हो सकता है कोई कपड़ों की दुकान थी, ये सारा पैसा उनके पास गया, फिर बनाएंगे तो ये वापस बेचने के लिए चीजें बनाएंगे, फिर वापस बनाते बनाते ये सारी चीजें 40 बिलियन की वापस से वेजेस रेंट इंटरेस्ट इनकम के माध्यम से हाउस होल्ड के पास जाएगी। हाउस होल्ड को 40 मिला, फिर 40 मिला 20% उन्होंने लीकेज किया, तो ये वापस से अब की बार दोस्तों ये 8 बिलियन का लीकेज हुआ, 40 में से 8 चले गए और 32 यहां पे आएंगे, 32 वापस फर्म के पास जाएंगे, फर्म वापस, अब फर्म से 32 कैसे गए? बिकॉज लोग हो सकता है वापस कुछ खाएंगे, कुछ पेट्रोल लेंगे, कुछ इंटरनेट लेंगे, एसी लेंगे, टीवी लेंगे, ये सारा पैसा फर्म के पास गया, आप क्या वापस बोलिएगा? अब ये 32 से वापस बढ़ेगा, यानी कि ऐसे ऐसे घूमते घूमते ये घूमेगा, ये ऐसा ऐसा घूमेगा,
ये घूमेगा, यानी कि जापान ने 50 बिलियन डॉलर डाले पर जीडीपी हर बार जब प्रोडक्शन होता है, पहली बार तो 50 का प्रोडक्शन हुआ, दूसरी बार 40 का हुआ, फिर 32 का हुआ, तो अभी दोस्तों स्क्रीन के ऊपर 122 का प्रोडक्शन हुआ। अब पैसे लगाए थे 50, जीडीपी में ऐड हुए 122, ऐसे करते 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 अब ये जीरो होने तक घूमते रहेगा। पर दोस्तों जिस देश में लीकेज ही नहीं होगा, मल्टीप्लायर इन्फिनिटी होएगा। हाँ क्या नहीं, कुछ भी हाँ मत बोलो। अगर लीकेज ही नहीं होगा, 50 आएगा, 50 जाएगा, 50 आएगा, 50 जाएगा, पूरा घूमते 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 घूमते, और दोस्तों प्रथम कोई कॉन्सेप्ट समझ गया, वो बोल रहा है प्रथम हमेशा 50-50 ही रहेगा, ऐसा ऐसे 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 करते करते। पर दोस्तों अभी कैसा थोड़ा थोड़ा कम कम होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लीकेज हो रहा है। मल्टीप्लायर जिसके पास है, आप बताओ, जितना इंजेक्शन, जितना लीकेज ज्यादा होगा उतना मल्टीप्लायर, और जितना लीकेज, जितना लीकेज कम होगा उतना मल्टीप्लायर बहुत ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा। इसलिए दोस्तों भारत में मोदी जी ने मेक इन इंडिया चालू किया, ताकि भारत के बाहर से लोग पैसे लाए और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिले। कितना बहुत बूस्ट मिलेगा, और हम भी लिफ्ट हो जाएंगे। ओके दोस्तों, आपके सामने तीन सेक्टर के मॉडल है दोस्तों, 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर। मैं बोलना चाहता हूं, पहले सबसे पहले एग्जाम्पल दे रहा हूं, आज भी निकोबार में, निकोबार में दो ही लोग रहते हैं, नहीं वो अकेला ही रहता, यानी कि वहां पे लोग ही रहते, फॉर्म्स ही नहीं है वहां पे, फॉर्म नहीं है। कभी कोई दुकानदार ने कभी दुकान खोले ना, दुकान को नहीं खाएंगे वो, लोग खा लेंगे वहां पे। वो नहीं आपने देखा तो हुआ हुआ, हाँ हुआ था। एक मिनट अभी रुको रुको, एक मिनट रुकेगा, एक मिनट आप मुझे आगे पढ़ाना दो। पहले दुनिया में एक ही इंसान था, कहाँ पे समझो, इसकी बात करते हैं हम लोग, मालदीव्स की। पर जब जब लोग जगह पे, किस जगह पे रहने आते हैं ना, उनको हेल्प करने के लिए, वहां पे दुकानें आ जाती, क्योंकि लोग खाएंगे तो दुकान लगेगी, पिएंगे तो दुकान लगेगी, अब उसको हॉस्पिटल चाहिए तो दुकान लगेगी, इसलिए हाउस होल्ड भी आते हैं। इसलिए दोस्तों 2 सेक्टर में दो ही होता, हाउस होल्ड फार्म्स, यहाँ पे गवर्नमेंट भी नहीं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं। तो बताओ दोस्तों, अगर देश में दोस्तों पूरे देश में अंकुश नाम का एक ही व्यक्ति होगा, ये मान लीजिए ये हाउस होल्ड है, ये हाउस होल्ड है, और ये फर्म है, इन्होंने इसको वेजेस दिए 100 रुपए का। अब मुझे बताओ, यानी कि इनकम कितनी हो गई रहे, 100 हो गई ना। अब इस क्या करेगा, हो सकता कुछ खाएगा, उसको कंजम्पशन हो सकता है, उसने 80 रुपए का किया होगा, और हो सकता है 20 रुपए उसके लीकेज यानी इन्वेस्टमेंट किया होगा। अरे बोलो ना, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 80 रुपए हो गए और प्लस हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, तो यानी कि Y=C+I हो जाएगा। 2 सेक्टर में गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। पर दोस्तों आज भारत में ये सुकून नहीं है, हम कमाते 100 मिलते 70, कभी कभी तो कुछ लोगों को टैक्स इतना लग जाता है, टैक्स पे टैक्स, हाँ ये यहाँ पे बहुत लगता है, यहाँ पे वेल्थ टैक्स भी लग जाता है दोस्तों आज भारत देश में। अब क्या था ना, पहले जब लोग गवर्नमेंट ने था ना, खुद ही रास्ते बनाते थे, खुद ही स्कूल बनाते थे, और खुद ही रेलवे बनाते थे, खुद ही फ्लाईओवर बनाते थे, तो गवर्नमेंट बोलती है ये सब काम तुम्हारा नहीं है, हम सबसे टैक्स लेते हैं, थोड़ा सा लूटते हैं, बाकी थोड़ा बहुत बना देंगे। तो दोस्तों अभी आपके सामने C=I=, यानी दोस्तों आज अंकुश ने 100 रुपए कमाए, तो मान लीजिए इसने 50 खर्च किए, मोदी जी जैसे मोदी ने, गवर्नमेंट सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30 रुपए ले लिए, तो ये 20 रुपए वो इन्वेस्ट कर पाया। एक तो आते आते 30 रुपए वो ले लेते हैं, उसको TDS कहा जाता है, 30 उन्होंने रख लिए, अब जो भी खर्चा करेगा वो 70 ही होंगे, 50 कंजम्पशन, 50 का खाया होगा, 20 रुपए बीवी को दिया होगा,
यानी कि देश की इनकम वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। बताओ बच्चों, अगर अगर मैं इसको y इज इक्वल टू सी प्लस आई रखता तो क्या होता, 50 प्लस 20 होता, वो 70 दिखता, पर एक्चुअली कमाया तो 100 है। सर वो तो गवर्नमेंट को दिए। अरे गवर्नमेंट ने जो खर्च किए वो मेरी ही थी इनकम, उनका खर्चा मेरी थी इनकम। पूना का तो एक मेट्रो स्टेशन मेरे ही मेरे टैक्स पे बनाया उन्होंने। मैंने जो टैक्स बनाया ना पूना में, उन्होंने मुझे लेटर लिख दिया, ये जो है ना ये मेट्रो के दो दरवाजे तुम्हारे हैं। ये वो बात और है, मेरा नाम नहीं लगाते, पर उन्होंने मुझे बोला है आप जो पाटनी जी टैक्स भर रहे हो आप भर दीजिए, अगला मेट्रो भी आपका एक स्टेशन आपको बनाएंगे। दोस्तों ए वो बोल रहा है एसपीसी मेट्रो लॉन्च कर, नहीं करने के भाई। अरे एसपीसी एक मेट्रो का स्टेशन बनाया सिर्फ, अगले एडवांस टैक्स में दो चार दरवाजे बनेंगे। दोस्तों हमारा पैसा इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। पर दोस्तों आप जानते हो अपन ने इंटरनेशनल ट्रेड भी कर लिया, कोई भी देश इंडिपेंडेंट नहीं है। वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट एंड माइनस इंपोर्ट। आप जानते हो क्या होता है, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ चीजें आप जानते हो, ये देखो ये है, ये आपका हाउस होल्ड है, ये आपका नहीं ये फर्म है, ये हाउस होल्ड है। अब इनसे इनको क्या मिलता रहे, इनको मिलता है वेजेस, इनको मिलता है इंटरेस्ट, इनको मिलता है रेंट और इनकम, फिर ये इनको मिलता, ये इनको मिलता, ये इनको सर्विसेज देते, ठीक है ना। फिर अब ये हो गया, अब इनके इसमें पैसे आ गए, अब ये पैसा है ना इसके माध्यम से, ये पैसा खर्च करेंगे बाई करने में। ये टू सेक्टर का डायग्राम दिखा रो, ये क्या बाई कर, ये इनको देंगे पैसा, अब इनके माध्यम से इनको पैसा आया ना यहाँ पे, अब ये पैसे इनको देंगे ताकि इनको मिलेगी टीवी, इनको मिलेगी ए बीवी कहाँ से टीवी, इनको मिलेगा फ्रिज, इनको मिलेगा खाना, इनको मिलेगी दवाई। ये टू सेक्टर का डायग्राम है, पर दोस्तों जैसे थ्री सेक्टर आता है यहां पे आता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोलता थोड़ा तुम दे दो, थोड़ा तुम दे दो, थोड़ा दोनों देंगे, थोड़ा थोड़ा इससे लेगा टैक्स, थोड़ा इससे भी लेगा टैक्स, थोड़ा यहां पे आ गया टैक्स, यहां पे भी आ गया टैक्स। गवर्नमेंट क्या करती है इन टैक्सेस से, इन टैक्सेस से गवर्नमेंट कुछ देगी, इनको कुछ देगी, इनको बना देंगे फ्लाईओवर, इनको बना देंगे सब्सिडी से, हो सकता है इनको बना देंगे मेट्रो, इनको कुछ भी बना देंगे, स्कूल बना देंगे, यानी दोस्तों हो सकता है उज्ज्वला दे दिया हो सकता है आयुष्मान खुराना दिया हो, प्रधानमंत्री आवास योजना दिया हो, पर दोस्तों हो सकता है बजाज नाम की एक ही कंपनी इंडिया में है, वो फर्म है। अब दोस्तों जितनी गाड़ियां इंडिया में बेची है वो तो यहां पर लिखी है, पर जो गाड़ियां फिरंगियों को बेची है दोस्तों हो सकता है पाकिस्तान से, आपको सुनना है तो सुनिएगा, पाकिस्तान से बजाज ने लिए टायर और इन्होंने पाकिस्तान को बेची गाड़ियां बजाज पल्सर। आप बताओ बच्चों 20 रुपए के लिए टायर और गाड़ी बेची 100 रुपए की, तो बच्चों भारत देश का इनकम जो है ना, ये इन्होंने इंडिया की गाड़ियां जो बनाई थी ना, ये आ गई थी वाई प्लस सी प्लस आई प्लस जी में। ये सी में भारत का सेल है, पर जो इंडिया के बाहर जा रहा है 100 रुपए का सेल वो एक्सपोर्ट ऐड होएगा, पर दोस्तों अगर एक्सपोर्ट का जो सेल है वो ऐड होगा तो उधर से क्या इंपोर्ट तो माइनस होना चाहिए ना, इसलिए इंपोर्ट को कर देंगे माइनस। तो बोलो वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। दोस्तों बैक टू बैक लगातार हम लोग दूसरा चैप्टर शुरुआत करने की पूरी कोशिश में है, चैप्टर नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 1। पर दोस्तों इसके पहले एक छोटा सा चैप्टर वो करेंगे जिसका बहुत ही चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 4 करेंगे, चालू होगा और खत्म हो जाएगा बस। हाँ आज सभी जानते हैं अच्छा इतना बता दो क्या आपको सच में सब कुछ याद आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि
वो जो आपको चार्ट बना दी तो वो थोड़ा सा रेफर कर रहे क्या आप? हाँ, और वो जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो भी ऐसे हो जाएगा, सिर्फ एक बार देख लेना उसको इज्जत से। नहीं, मुझे बोलना है, चैप्टर नंबर 2 का यूनिट 4 चालू कर रहा हूं मैं। ये क्या है बच्चों, फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं दोस्तों। फिस्कल पॉलिसी इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट। किस बात का इंस्ट्रूमेंट है? गवर्नमेंट, भारत सरकार का किया हुआ इंस्ट्रूमेंट है। ना रहेगा रिसेशन, ना रहेगा इन्फ्लेशन, कर देंगे स्टेबिलाइजेशन। दोस्तों हाल ही की न्यूज है, श्रीलंका में वाट लगी वाट, क्योंकि इतना इन्फ्लेशन बना है। पेट्रोल 360 रुपए हो गया, लोग भूखे हो गए, गाड़ियां बंद हो गई, बिकॉज देश में इतने ज्यादा नोट का प्रिंटआउट हो गया कि लोगों के पास इतना सारा पैसा आ गया, इतना पैसा, वो अनशन चीजें का स्टॉक कम है, सप्लाई कम है, पैसा ज्यादा था, डिमांड बढ़ गया। आप क्या करेंगे? एकदम रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ जाती है और रिसेशन में प्राइसेस। दोस्तों कोरोना चल रहा था भारत देश में, जब कोरोना आया वर्ल्ड में, जब कोरोना आया तो रिसेशन हमने बहुत करीब से देखा है। रिसेशन में आम आदमी बद से बदतर हो जाता है, बहुत गरीब फील करता है, बिकॉज पैसा ही नहीं होता। पर इन्फ्लेशन में बहुत पैसा था, रेट बढ़ जाते हैं, पर उस चक्कर में कई गरीब मर जाते हैं। मित्रों हमें ना वैनिला ना श्रीलंका चाहिए, क्योंकि दोनों ने इन्फ्लेशन देखा है, और ना हमें 2008 के समय पे यूएसए ने जो रिसेशन देखा था, ना ये कोरोना के समय जो रिसेशन, क्योंकि रिसेशन जब आता है, जब लोगों में पैसा नहीं होता, लोग कुछ बाय नहीं कर सकते, ऑटोमोबाइल से लेकर कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट बिकते नहीं। दोस्तों ये कंपनियां जिनके पास में हजारों लाखों एम्प्लॉय काम, ये सब बेरोजगार हो जाते हैं, और जब बेरोजगार ही आ जाएगी दोस्तों, लोग खाएंगे क्या? हाँ दोस्तों पिएंगे क्या? बिकॉज जब आम आदमी के पास पैसा ही नहीं होगा तो दोस्तों रिसेशन बहुत बड़ी महामारी है। पर दोस्तों अगर आपने श्रीलंका में देखा होगा इन्फ्लेशन, अभी फिलहाल इस समय इंडिया में बहुत जबरन इन्फ्लेशन चालू है। पेट्रोल 125, खाने का तेल 150। आप लोगों को पता नहीं इतना मैंने तेजी मार्केट में इसके पहले कभी, इतना भयानक इन्फ्लेशन चालू है इंडिया में। पता है आरबीआई ने क्या बोला? हमें उम्मीद, 3 दिन पहले आरबीआई का पॉलिसी रिलीज हुआ, आप चाहे तो देख लेना इंटरनेट पे। आरबीआई बोलती है इंटरेस्ट रेट पे हमें कुछ नहीं करना है चेंज, क्योंकि अगर ऐसे समय पे आरबीआई का क्या पॉलिसी आता है मालूम है? जब देश में इन्फ्लेशन होगा तो आरबीआई ने क्या करना चाहिए? इंटरेस्ट रेट जो है ना बढ़ाना चाहिए। क्यों? ताकि लोग क्या करें, अपने घरों का पैसा वहां पे डाले, ये होना चाहिए था। पर उस चक्कर में क्या हो जाता है, आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाती तो आम आदमी, जो कंपनी पैसे लेती है वो लेना कम कर देती है। आरबीआई को फिर बोला कि तुमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया क्यों नहीं? बोले हम मानते हैं इन्फ्लेशन हो रहा है, पर इन्फ्लेशन की जो प्रायोरिटी है हमारे लिए सेकेंडरी, पहले हम विकास चाहते हैं। क्योंकि अगर हम लोग बहुत इन्फ्लेशन के चक्कर में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो कंपनी लोन नहीं लेगी, लोन नहीं लेंगी तो विकास नहीं होगा, और विकास नहीं होगा दोस्तों तो मोदी जी का मेन जो ऑप्शन, मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि देश में क्या होना चाहिए, हर जगह पे रास्ते अच्छे, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी, हमें सिंगापुर बना देना है बस। तो ये जो मित्रों, ये जो मोदी जी का ख्वाहिश है कि पूरे देश में विकास ही विकास, आम आदमी इतना पैसा ले, कंपनीज पे कंपनी, स्टार्टअप पे स्टार्टअप खुलना चाहिए। ये कब खुलेंगे? जब इंटरेस्ट रेट कम होगा। इसलिए दोस्तों बावजूद इतने इन्फ्लेशन के, इस बार आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया। आप सुनो, 3-4 दिन पहले का रिलीज है, पूरा मार्केट सहम गया था। अगर आरबीआई का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट बढ़ता ना तो लोगों का पीएनएल के अंदर जो डेबिट होता ना इंटरेस्ट, वो बढ़ जाता, तो पीएनएल प्रॉफिट कम दिखाता। प्रॉफिट कम होता दोस्तों तो किसी कंपनी का प्रॉफिट कम होना अच्छी बात नहीं है, तो दोस्तों पूरा शेयर मार्केट डाउन हो जाता। यानी कि दोस्तों आपको समझा होगा कि आरबीआई ने क्यों इस बार इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया। आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता सेंसेक्स 2000-4000 पॉइंट टूट जाता। तो दोस्तों क्या होता है ना, आपको बात समझने की है, ये भारत में इन्फ्लेशन और रिसेशन के हिसाब से भारत सरकार क्या करती है, दो तरीके, दो हथकंडे अपनाती, एक तो एक्सपेंशनरी और दूसरा कौन सा है, कॉन्ट्रैक्शनरी। आप बात करेंगे देश के अंदर वो चल रहा है, अगर देश के अंदर बहुत इन्फ्लेशन है और रेट प्राइस बढ़ रहा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है तो भारत सरकार कौन सा बजट लाएगी? कॉन्ट्रैक्शनरी, यानी कि फ्लाईओवर नहीं बनाएगी, रोड्स नहीं बनाएंगे, सारी चीजें बनाएंगे पर कम बनाएंगे, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी। दोस्तों अगर देश में रिसेशन है तो पैसा लोगों में कम है, उनको पैसे देना है, बांटना है, पब्लिक में पैसा कब आएगा? जब देश में एक्सपेंशनरी, तो जब रिसेशन होगा
तो एक्सपेंशन करेगी ताकि रोड गवर्नमेंट बनाएगी, बहुत सारे हाईवे बनाएगी, फ्लाईओवर बनाएगी, मेट्रो बनाएगी और पैसा जनता और बहुत सारे सब्सिडीज और बहुत सारे आयुष्मान देंगी, उज्ज्वला देंगे। याद रखना फिस्कल पॉलिसी दो टाइप की होती है, ये टाइप है, क्वेश्चन को मत भूलना, टाइप ऑफ फिस्कल एक्सपेंशनरी, ये बजट के टाइप नहीं है, ये फिस्कल पॉलिसीज है। आप फिस्कल पॉलिसी के हिसाब से भारत सरकार के पास में चार इंस्ट्रूमेंट है, हाउ मेनी इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर? नंबर वन, याद करो जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास। मैं आपसे पूछता हूं, देश में इन्फ्लेशन है, पैसा बहुत ज्यादा हो गया, आप टैक्स बढ़ाओगे कम करोगे? बढ़ाएंगे ताकि लोगों से पैसा छीन लेंगे। गवर्नमेंट अपना इंटरेस्ट रेट बैंक का बढ़ाएगी कम करेगी? बढ़ाएगी, ताकि लोग अपना पैसा घर का निकाल के बताएंगे, दोस्तों ऐसे केस में आप बजट कैसे लाओगे, पैसा बहुत है लोगों के पास, तो दोस्तों सरप्लस बजट लाएगी, यानी कि गवर्नमेंट क्या करेगी, खर्चा कम करेगी, इनकम हो जाएगा ज्यादा, खर्चा हो जाएगा कम, यानी कि देश में बजट आएगा सरप्लस। और दोस्तों अगर मैं इसकी बात करता हूं, गवर्नमेंट स्पेंड कितना कर, ज्यादा करेगी कम करेगी? अगर दोस्तों देश में ऑलरेडी इन्फ्लेशन चल रहा, पब्लिक का पैसा है, तो मेट्रो जैसी चीजें देश में कम बनाएंगे, हाईवे मेट्रो कम बनाए, क्योंकि पब्लिक का पैसा ऑलरेडी, याद रख लेना इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी के चार इंस्ट्रूमेंट, एक तो गवर्नमेंट स्पेंड, डेट, टैक्सेशन एंड व्हाट, बजट। अगला सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राउडिंग आउट? ऑलरेडी इन्फ्लेशन चल रहा था, नहीं तो सुनो मेरी बात क्या हुई, एक्सपेंशनरी करने, जब देश में रिसेशन होता है ना तो गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी करती है। एग्जाम्पल, उन्होंने मेट्रो बना दिया पूना के अंदर, अब जब पूना में मेट्रो आने से पहले ही क्या था, बहुत सारे ऑटो वाले जो थे ना उनका लाइफ सेट हो चुका था, जितने पैसेंजर इक्वल टू ऑटो थी, अब क्या हुआ बताओ, मेट्रो आ गई और सारे के सारे ऑटो वाले, क्योंकि पैसेंजर तो उतने ही है, अब मेट्रो भी आ गई और ऑटो, तो ऑटो वाले क्या हुआ, क्राउडिंग आउट। उसका और एक इसका मतलब है, जब दोस्तों एक्सपेंशनरी करती गवर्नमेंट, हाँ बोलो भाई क्या होता है, तो गवर्नमेंट लोन लेती बैंक से, बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते, आम आदमी के लिए इंटरेस्ट रेट बहुत महंगा हो जाता है, इसलिए वो लेता ही नहीं, इसलिए उसके धंधे मर जाते हैं, इसलिए आम आदमी अपने को क्राउडेड आउट फील करता है, यानी कि कंपटीशन से बाहर निकल जाता है। दोस्तों ये बहुत ही घिरा हुआ क्वेश्चन है, गरीब और अमीर के बीच के दुविधा कैसे निपटाएं? दोस्तों अमीरों से लेंगे गरीबों को देंगे, अमीरों से लेंगे गरीबों को देंगे, अमीरों से लेंगे 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 अमीरों से लेंगे गरीबों को देंगे, अमीरों से लेंगे अमीरों से गरीबों को लेंगे 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 लेंगे, रुको भाई, दोस्तों अमीरों से डायरेक्ट टैक्स ले लेंगे, अमीरों से इनडायरेक्ट टैक्स भी ले लेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्सेस लगा देंगे, गरीबों को उज्ज्वला देंगे, आयुष्मान देंगे, गरीबों को सब्सिडी देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे, गरीबों को राशन देंगे, इधर से लेंगे उधर देंगे, अटल भी दे देंगे, अरे प्रज्वला नहीं उज्ज्वला है वो। दोस्तों मेरा आपसे एक प्रश्न है, जवाब देंगे, लिमिटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। दोस्तों फिस्कल पॉलिसी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अगले आने वाले साल क्या है। दूसरी बात, हम लोग क्या करते हैं, जब रिसेशन होता है ना तो बहुत सारा एक्सपेंशन पॉलिसी करते हैं, पर हो सकता है जब तक वो हाईवे बन रहे होंगे, जब तक मेट्रो ऑलरेडी वो इन्फ्लेशन में होगा, तो उस समय सुपर इन्फ्लेशन हो जाएंगे। अरे बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं, और बताओ दो तीन ड्रॉबैक बताइए। कभी कभी क्या होता है, ये इंटरेस्ट रेट आप बढ़ा देते हो तो अपने इंडिया के लोग जो है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, और फिरंगी लोग क्या करेंगे, वो तो इंडिया से बाहर अटके हैं, बोलेंगे तुम इतना इंटरेस्ट, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ा तो भारत सरकार इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगी, टैक्स रेट बढ़ाएगी, वो क्या करेंगे फिर, वो इंडिया से निकल के बाहर चले जाएंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। और बताओ बच्चों क्या हो रहा है, जब आप इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब देश में इन्फ्लेशन होता है ना तो तुम क्या करते हो, आप कम खर्चा करते हो, उसके चक्कर में विकास भी रुक जाता है, यानी कि प्रॉब्लम है ना, आप विकास करने जाओ इन्फ्लेशन हो रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। और दोस्तों ये चक्कर में क्या हो रहा है, एक्सपेंशनरी बजट में, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में आपका क्या हो रहा है, जिस तरह से पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपकी गवर्नमेंट जो है आपका जो है ना ओवर बर्डन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट जब, क्योंकि हम लोग पिछले 25 सालों से भारत सरकार क्या करते हैं, डेफिसिट बजट बना रहा है, और डेफिसिट हमारे पास पैसा नहीं, हम वर्ल्ड बैंक से लाते हैं, तो आप जानते हैं हमारे ऊपर कितना इंटरेस्ट का बर्डन परपेचुअल बढ़ रहा है। डोगलो एग्जामिनेशन आपकी मेरी नहीं है, आपको याद करना, जल्दी से याद करो, ये जल्दी से
और कभी कभी फिस्कल पॉलिसी का ये भी मतलब है कि आप चाहकर भी कुछ चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते हो, जैसे एग्जाम्पल डिफेंस, ये जल्दी से याद करो, आपको याद होना चाहिए जल्दी से, हरी आप एक बार देख लीजिए आप फिस्कल पॉलिसी के लिमिटेशन, फिस्कल पॉलिसी के लिमिटेशन, चलो जल्दी है फिस्कल पॉलिसी का लिमिटेशन जल्दी से है कहा घर जा रहा है बच्चा अरे 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 चल बस ध्यान रख है ना, अपने बालों का भी ध्यान रख, ठीक है ना, याद रखिए सबको। अरे सर बिल्कुल किसी को नहीं भूलने वाला, आपको जाने का मन कर रहा है क्या? हाँ ये आप सभी की एक्सटेंडेड फैमिली जो आपने क्लास में बनाई है ना, सबको याद रखना और जीवन में इन दोस्तों को कभी ना भूलना, ठीक है ना, कभी नहीं भूलने वाले, ठीक, वेरी गुड है ना बेटा, ऑल द बेस्ट, आप बहुत आगे जाएंगे, ठीक है ना, थैंक यू, यस बस बस भाई, टेक केयर, ओके दोस्तों, इसी के साथ में हमने चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 4 खत्म कर दिया। एक बार जरा देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है, इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है, टाइप्स पढ़ा है, क्राउडेड आउट पढ़ा है, रिड्यूस इनइक्वालिटी पढ़ा है और लिमिटेशन पढ़ा है। दोस्तों इस चैप्टर को मैं सिर्फ थोड़े से आपके सामने लगना चाहता हूं, चैप्टर नंबर कौन सा ही है, 2 का यूनिट नंबर 4, क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पे, इसके दो टाइप्स पढ़े हमने, फिजिकल कॉन्ट्रैक्शनरी एक्सपेंशनरी, अब बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स की, यानी कि यहाँ पे टैक्सेस की बात की, गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट स्पेंड की बात की है, डेट की बात की है, उसके बजट की बात की। इसके बाद में हमने एक कॉन्सेप्ट देखा ऑटो वाला, क्राउडेड आउट, फिर हमने देखा लिमिटेशन जो अभी हमने किए सारे लिमिटेशंस, और एक क्वेश्चन था इस चैप्टर में, आप बात करेंगे हाउ टू रिड्यूस इन इक्वालिटी, अमीरों से लेंगे, अमीरों से लेंगे, देंगे लेंगे, ओके दोस्तों आगे बढ़ेंगे। मित्रों हाँ चलो आगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। मित्रों आपके सामने क्या हुआ? जा रहे हाँ हाँ चल दोस्तों, अभी चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 2 चालू हो रहा है, मार्केट फेलियर, इस चैप्टर का नाम है दर्द, और इसके बाद में 3 का नाम है दर्द की दवा। दोस्तों चैप्टर नंबर देखो बच्चा, आई होप यू आर एबल टू रिकॉल यार, कम ऑन आ रहा है ना, देखो अपने को ऐसा है कि मतलब एक लेवल पर आ गए आप, और मैं आपको फील करवाना चाह रहा था कि हम लोग ने क्या लेवल अचीव किया है। आप ये रिविजन कहीं भी इंडिया में कंपेयर करना, आप लोग का जो लेवल है इतनी एफिशिएंट बहुत कम, अरे कितनी जल्दी है, 40 मार्क्स का सब्जेक्ट है, आप लोग उसको 2 घंटे में खत्म करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों पहले ही बात करेंगे, मार्केट फेलियर व्हाट अ मिसमैच ऑफ व्हाट डिमांड एंड सप्लाई, डिसइक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का मैचिंग नहीं है, कभी हो सकता है डिमांड ज्यादा और कभी कभी होता है वाइस वर्सा। दोस्तों ये डिसइक्विलिब्रियम जो है कभी कभी होता है, दोस्त में इतने टोमेटो हो गए इंडिया में खाने वाले कम, अब वो टोमेटो सारे रास्ते पे फेंक देंगे, यानी कि दोस्तों हमारा इतना स्केर्स रिसोर्स है वो फालतू चीजों में, इससे भारत देश बीच में सरकार आती है और वो इंटरवीन करती है ताकि उतना ही डिमांड हो, उतना ही सप्लाई हो, यानी कि कभी ये मिसमैच हो गया। देखो बहुत सारे फ्लैट्स है, बिल्डरों ने सप्लाई ज्यादा कर दी है, डिमांड कम थी, सारे बिल्डर बर्बाद हो गए। दोस्तों डिसइक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होना बहुत सारे बिजनेस के लिए घातक हो सकता है, बहुत बुरा होता है, सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड, कोरोना में हुआ सप्लाई ज्यादा था, डिमांड नहीं, लोगों ने अपने धंधों को अपने हाथ से ही खत्म कर दिया, बर्बाद हो गए उन्होंने, इससे भारत सरकार बीच में आके, जब देश में प्याज बहुत बढ़ जाता है, प्याज यानी कि अनियन और डिमांड, तो भारत सरकार एक्सपोर्ट चालू कर देती,
यानी भारत सरकार के पास में से बहुत तरीके हैं जो इसके अगले चैप्टर में बताता है कि दर्द की दवा क्या है, उसको बोलते हैं मार्केट फेलियर। ये तो क्या है रीजन, उसके बाद में क्या है दर्द की दवा, हाउ टू रिड्यूस द मार्केट फेलियर। आपसे प्रश्न पूछेंगे मार्केट फेलियर, अभी काम करेंगे दोनों को साथ में बढ़ता है। नहीं आप बोलो तो साथ, क्योंकि मेरे को ऐसा मजा आएगा दोनों, क्योंकि यहां पे दर्द है फिर दर्द की दवा, दर्द है दर्द है दर्द है, वो इधर किधर है, वो यूनिट थ्री में, अभी देखेंगे दर्द तुरंत देखेंगे दवा। तो दोस्तों यूनिट नंबर टू और तीन को साथ में चिपके करेंगे। दोस्तों मोनोपोली, अब देखो विंडो जैसे लोगों की मोनोपोली बहुत है, इनको लगता है वही सब कुछ है। अगर इसकी मस्ती में आके अगर उन्होंने प्राइजेस बढ़ा दिए विंडो की, तो हो सकता है आम आदमी उसको बाय नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या होता है कि अब सप्लाई विंडो की ज्यादा और डिमांड विंडो की, ये कभी कभी आपके मार्केट फेलियर का कारण बन सकता है। बताओ बच्चों ये मोनोपोली में लोग प्राइस बढ़ा देते हैं, भारत सरकार कैसे इसको, भारत सरकार क्या करती है यहाँ पे सीसीआई को और यहाँ पे कंपटीशन एक्ट को इंट्रोड्यूस करती है। जब भी तेरा मोनोपोली एक तो पहले मोनोपोली होने नहीं देंगे, और मोनोपोली होता है ना तो फिर औकात में रहने का है, सुन ले। मोनोपोली में प्रॉब्लम नहीं है, पर मोनोपोली का मांझ नहीं करने का, अपनी औकात में रह के प्राइसिंग करने का। तो मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने किसको लाया, सीसीआई। आप देखते हो ना जब भी दो कंपनी आपस में मर्ज कर जाती है तो सीसीआई बोलता है बेबी हमसे पूछिए, यहां तक कि जीपे ने भी मस्ती में आके बहुत कुछ किया था, सीसीआई ने बजाय सीमेंट कार्टल बहुत मस्ती में आके प्राइसेस बढ़ा देता है। सीसीआई किसी को बोलता है मस्ती नहीं करने का। सीमेंट कार्टल वालों ने क्या करा, साथ में आके सीमेंट के प्राइस बढ़ाए, इतनी प्राइस बढ़ाई लोगों ने घर बनाना बंद कर दिया। अब क्या वो सीमेंट का सप्लाई हो गया ज्यादा और डिमांड हो गई कम, तो भारत सरकार बोलते हैं जो रेट बढ़ाना है इज्जत से 100-200 रुपए बैक के पीछे कम करो और आम आदमी भर दो, तो सप्लाई भी बराबर डिमांड भी आगे। अब दर्द भी देख लिया दोस्तों, मार्केट फेलियर का दूसरा कारण बन सकता है एक्सटर्नैलिटी, यानी कि दोस्तों कभी कभी बाजू वाला इंसान जिसकी इंटेंशन नहीं, जो गलत कामों में बैठाने थी रही उसको दर्द, उसको उस चीज का, जैसे आप सिगरेट पी रहे हो, यू आर द नेगेटिव प्रोड्यूसर, जो बाजू में बैठ रहा है वो नेगेटिव कंज्यूमर, यानी कि जो बंदा बर्दाश्त कर रहा है उसकी गलती भी नहीं फिर भी उसको भुगतना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नलिटी। पर कभी कभी एक्सटर्नलिटी पॉजिटिव भी तो होती है, यानी कि बाजू अपने मतलब एसपीसी ने जिम बना दी और आम आदमी वहां पे आकर जिम कर रहा, तो मैं बोला पॉजिटिव प्रोड्यूसर और जो जिम जा रहा है वो बोलेगा पॉजिटिव कंज्यूमर। दोस्तों कभी कभी अपने भोपाल गैस लीकेज की भी बात कर लेंगे, वो नेगेटिव धुएं का प्रोड्यूसर थे और वहां के जो लोग मर गए वो नेगेटिव कंज्यूमर थे। कभी कभी कुछ लोग अपने पैसों से पार्क और गार्डन बना देते हैं, वो पॉजिटिव प्रोड्यूसर है, और क्या होता है, और जो लोग जाते हैं वहां पे पॉजिटिव। अभी देखो ये लेक्चर जो मन रहा है ये आम जनता के लिए यूट्यूब पे आ रहे हैं, मैं पॉजिटिव प्रोड्यूसर हूँ और लोग पॉजिटिवली कंज्यूम करेंगे। तो दोस्तों आपके लिए मेरा एक सवाल है, इसमें ये मार्केट फेलियर का कारण बनता है। देखो कभी कभी होता है क्या, वो धुएं की सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई या गंगा में इतना गंदा पानी डाल दिया जिसकी सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड ही नहीं थी। कोई बोलता है गंदा पानी करो, कोई बोलता है धुआं छोड़ो, कोई बोलता है मेरे बाजू में बैठ के सिगरेट फूंकते बैठो, तो ये क्या होता है उन चीजों की जबरदस्ती सप्लाई हो रही है जिसकी डिमांड ही नहीं करी है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं ये क्या मिसमैच ऑफ डिमांड सप्लाई है। इसी चीज को ऐसे धुएं को रोकने के लिए, ऐसे गंदे पानी को रोकने के लिए, ऐसे भोपाल में जो हुआ उनको रोकने के लिए भाई और बहनों दो चीजें लाई, एक तो पोल्यूशन टैक्स लाया, टैरिफ लाया। आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे, इधर बैक टू बैक छिपा के दोनों चैप्टर कर रहे हम लोग। उसको रोकने के लिए हमारे पास दो, एक तो टैक्स लाओ एक तो परमिट्स लाओ। टैक्स में क्या करें, मोर धुआ मोर टैक्स, पर दोस्तों एडमिन के लिए बहुत मुश्किल है, धुआं मेजर कैसे करेंगे, और इससे कोई ये भी नहीं, वो क्या करेगा धुआं बढ़ाते रहेंगे पब्लिक से ज्यादा, उसका धुआं बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा और वो सारा बीमार भी बढ़ा देगा, इससे आपका धुआं कम नहीं होगा। मित्रों भाइयों बहनों BS4 की बात करेंगे, गडकरी ने बोला परमिट ही नहीं, धुआं छोड़ेंगे हम गिरे ये गाड़ियां बंद, परमिट ही बंद। दोस्तों केजरीवाल जी ने भी बहुत सारे कदम उठाए कि दिल्ली में BS4 बंद, इतना धुआं 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 रहा दिल्ली में। तो दोस्तों ऐसे समय पे भारत सरकार दो चीजें होती है, धुआं कितना भी छोड़ो पर टैक्स लगाएंगे, और एक गवर्नमेंट बोलेंगे गाड़ियां बंद। अब नहीं नहीं अब दो चीजें, टैक्स में क्या होगा पैसा बहुत बनेगा पर धुआं कम नहीं होगा, परमिट में ए भाई बंद चाहिए बोलते बंद, ये अब चलाना है तो इस एरिया में सिर्फ 5 फैक्ट्रीज होंगी, 5 के ऊपर एक को भी परमिट नहीं देंगे, या फिर फैक्ट्री होना भी चाहे तो इतना ही धुआं होगा।
तो परमिट से कैसा है ना, आपको मेजरमेंट नहीं करना, एडमिन वाइज बहुत अच्छा है, समझ आ रहा है? और परमिट में एक चीज है, आपको 10,000 डेसिमल तक अलाउड करा, आपने अगर 8,000 किया तो 2,000 आपने जो सीखा उसको इंसेंटिव मिलता है। तो ये परमिट वाली चीज अच्छी, आपको क्या मिल रहा है वहां पे, इंसेंटिव। कम जितना कम जलाओगे, जितना गंदा कम करोगे, उतना आपको इंसेंटिव, यानी कि परमिट वाली चीज कुल मिलाकर अच्छी बहुत साबित हो रही है। और टैक्स वालों को गालियां देना है आपको, ठीक है ना। अगला सवाल मेरा आपसे ये रहा साहब, दोस्तों मेरिट और डीमेरिट गुड्स, आपने उड़ता पंजाब देखा होगा, और देखो जब भी डीमेरिट बोलेगा ना, आपके दिमाग में कबीर सिंह आना चाहिए बस। कबीर सिंह में शाहिद कपूर पीता तो सिगरेट डीमेरिट है, वो ये भी पीता वो भी डीमेरिट है, और वो भी करता वो भी डीमेरिट है। तो दोस्तों डीमेरिट चीजें हैं। आपसे मेरा सवाल है कि डीमेरिट जो गुड्स होते हैं उसको कैसे, कबीर सिंह ने जो जो हरकतें की है ऐसे लोगों को कैसे रोका जाए, कैसे रोक सकते हैं? दोस्तों पहली बात तो इसके ऊपर इतना टैक्स लगा दो ना, इतने ड्यूटी लगा दो कि कोई सिगरेट पीने लायक ना रहे। हाँ, इसीलिए भारत देश में सिगरेट के ऊपर, दारू के ऊपर सिर्फ टैक्स पे टैक्स, हर बजट में टैक्स बढ़ के आता है ताकि लोगों को डिस्करेज करे। तो दोस्तों एग्जाम से पूछ सकते हैं, व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द यूसेज ऑफ डीमेरिट गुड्स, तो आप बोलना टैक्सेस पे टैक्सेस, ड्यूटी पे ड्यूटी। और दोस्तों जो मेरिट होते हैं वो लाइब्रेरी, हॉस्टल, हॉस्पिटल, इन पे सब्सिडी देंगे, टैक्सेस कम करेंगे, हॉस्पिटल का GST बंद करेंगे, वैसा। दोस्तों तीसरा कारण है हमारे पास में मार्केट फेलियर का, उसमें लिखा है, पहले पढ़ लेते हैं पब्लिक गुड्स क्या होते हैं। दोस्तों पब्लिक गुड्स वाला कौन सा, इतना इजी है, मैं क्या बोलूं आपको भाई, कुछ मेरे पास शब्द ही नहीं है। दोस्तों ऐसा हम लोग क्या बोलता रहे तू, दोस्तों आपके पास में वो है, यहाँ पे है प्राइवेट, यहाँ पे है पब्लिक, यहाँ पे है कॉमन, यहाँ पे है कॉजी। दोस्तों आप बताओ राइवलरी, ड्राइवल नॉन ड्राइवल, और दूसरा क्या होता है, ऊपर क्या लिखूं, यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं, ये नॉन एक्सक्लूड कर सकते हैं, राइवलरी है, नॉन राइवलरी है मित्रों। अरे मित्रों, अरे आप देखो ना, आपके पास जो मोबाइल फोन है ना, आप किसी को यूज करने देंगे क्योंकि वो एक्सक्लूडेबल है। पर आप जब पा रहे थे, जब लेने गए थे, आप कैसे बहुत लोग लाइन में थे पर उसको ही मिला, क्योंकि हो सकता बायर 30 लोग थे और उनके से 3 ही हैंडसेट होंगे, यानी कि यहां पर जाने राइवलरी करना पड़ता है। राइवलरी ने लोगों में कॉम्पिटिशन थी पाने के लिए। अभी कोई कोई गाड़ियों का शॉर्टेज होता है तो उनको ही मिलता है जिनके पास जो पहले नंबर लगाए होंगे। पर दोस्तों पब्लिक में हवा आएगा, हवा या फिर डिफेंस। दोस्तों ना यहाँ पे ये नॉन एक्सक्लूडेबल है, नॉन रेल। देखो ऐसा नहीं कि तुम हवा नहीं यूज करो, अगर मैं नहीं यूज करो तुम्हें हवा नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं। वहां पे कोई पाने के लिए राइवलरी नहीं है, भागो भागो जल्दी हवा ले लो वरना नहीं रहेंगे, राइवलरी नहीं है। और दूसरी बात एक्सक्लूडिंग, अब ये मेरी हवा है तेरी नहीं हो सकती, नॉन एक्सक्लूडेबल है। एक्सक्लूड यानी कि मोबाइल में हमें क्योंकि महीने पैसे देना तो इसका अधिकार सिर्फ मेरा है। नॉन एक्सक्लूड में क्या होता है, तू क्या खतरों के खिलाड़, ओके। नॉन पब्लिक में क्या हो रहा है यहां पे, नॉन सुनो, पब्लिक में क्या होगा, नॉन एक्सक्लूडेबल होगा, यानी कि हवा अगर आप ले ली तो बोले अब ये मेरी हवा है, ये किसी, ऐसा नहीं। डिफेंस ये सोल्जर मेरा है, वो सबका है। पर आपके पास जो मोबाइल है, आपके जो टीवी है, वो आपने पैसे दिए, आप तो किसी को भी वंचित कर सकते हो उसके, यानी कि आप एक्सक्लूड मार सकते हो, ए मेरा है तो हट यस गेट लॉस्ट। और पाने के लिए राइवलरी बहुत होती है जब चीजें प्राइवेट होती है। हवा के लिए, डिफेंस के लिए ऐसा कोई कॉम्पिटिशन है, जल्दी जल्दी भागो, या फिर हाईवे जहाँ पे आपको पे नहीं करना है, तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, भागो भागो नहीं तो अपने को जाने नहीं मिलेगा। राइवलरी नहीं, कंपटीशन से जल्दी 5 बजे उठ के भागो हाईवे पे लोगो, नहीं तो बाद में हाईवे बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं हो, जब जाओ रास्ता तुम्हारा है। दोस्तों इसमें एक चीज है कॉजी, इसका एग्जाम्पल जानते हो, नेटफ्लिक्स या SPC प्राइम या फिर टोल वाला हाईवे। या टोल वाला हाईवे का एग्जांपल जैसे पुणे बॉम्बे हाईवे है, वहां पे क्या करते हैं बच्चों,
वहां पे नॉन राइवलरी, यानी कि तुम भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ, सब जा सकते हैं। एसपीसी प्राइम, एसपीसी के लेक्चर्स, जो पैसा देंगे ऐसा हम लोग कभी नहीं बोलेंगे नहीं नहीं आप नहीं मिलेगा। राइवलरी नहीं है, तू भी मिलेगा तो इसको भी मिलेगा, पर हम इसको उनको ही अलाउ करते हैं, या नेटफ्लिक्स उनको ही अलाउ करता है, या हाईवे पे उनको ही यूज कर जिनके उसमें जिन्होंने टोल भरा है, यानी यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं। और दोस्तों इसका एग्जाम्पल पैस्चर, ये पैस्चर ऑफ फिशपॉन्ड का एग्जाम्पल है। यहाँ पे पैस्चर में क्या है कि एक्सक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज वो सबका सरकारी है, पब्लिक में अवेलेबल है, पर फिर भी ये पब्लिक क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे राइवलरी है। अभी मान लो फिशपॉन्ड में एक ही मच्छी है, अब वो जो राइवलरी जो पहले भाग के वो मछली को लेगा, मछली को वो उसकी हो जाएगी फिश, हालांकि वो एक्सक्लूडेबल नहीं है, पर राइवलरी है, जो भागेगा पहले उसको मिलेगा। तो मैंने मेरे तरफ से बोल दिया आपको, अगर ये लेक्चर देखने हमने ऐसा लगा मुझे और एक बार रिवाइज करना है, आप इसको रिवाइंड कर देख सकते हो, तो यूट्यूब पे आ रहा है वैसे। ये बहुत माहौल लेक्चर है। बताओ बच्चे सब कुछ समझ गया? अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जिसका नाम है फ्री राइडर। ये फ्री राइडर प्रॉब्लम है दोस्तों, डिफेंस की बात करेंगे, 4% लोग इंडिया में पैसे देते टैक्स का, 96% देते, वो 4% वाले लोग, हम लोग टैक्स भर रहे हमको भी सोल्जर मिल रहा है, ये लोग जो 96 नहीं भर रहे, जो लोग टैक्स भर रहे उनको क्या होता है, डीमोटिवेशन आता है, फिर वो लोग भी नहीं भरेंगे, फिर एक समय आएगा सोल्जर के लिए इंडिया में पैसे नहीं बचेंगे, उसको बोलते फ्री राइडर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। दोस्तों ग्लोबल पब्लिक गुड्स का एग्जांपल WTO, WHO, बताओ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती होगी, यहाँ पे वैक्सीन हमको दे दो, वैक्सीन हमको दे दो वैक्सीन, यहाँ पे डिमांड बहुत बढ़ती होगी सप्लाई, वर्ल्ड बैंक से लोग क्या करते होंगे, हमको भी दे दो हमको भी दे दो, और उनके से पैसे उतने नहीं होंगे, यहाँ पे भी डिमांड सप्लाई का मिसमैच हो सकता है। गॉट इट गाइस? दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बोलो ना मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं कुछ भी बोल दो, ओ प्लीज उसको छेड़ो मत। दोस्तों इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, निधि मैडम कॉन्सेंट करें, इनकम्प्लीट की बात करेंगे। इनकम्प्लीट में क्या होता है मालूम क्या, बायर या सेलर दोनों में से एक को बहुत इन्फॉर्मेशन दे, एक को नहीं होती, वो किसको बेवकूफ बना, हो सकता है डॉक्टर किसी पेशेंट को बेवकूफ बना, हो सकता है किसी ज्वेलर को, हो सकता है सेकंड हैंड कार बेचने वाला, हाँ हो सकता है जिसने मुझे मैंगो बेचा था उसको पता था मैंगो में, मेरे जैसे लोग बेवकूफ बन जाते हैं, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दी हापुस नहीं है, और मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दी हापुस है, उसको पता है, उसको अकेले पता था वो मुझे लूट रहा है, डॉक्टर को ही पता होता है पेशेंट को लूट रहा है, सेकंड हैंड गाड़ी बेचने वाले को ही पता है गाड़ी कितने बार ठोके गई है। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहूंगा, ध्यान से सुन लेना, ये जो है ना मिसमैच ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं उसको, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हम उन चीजों की डिमांड ज्यादा कर लेते हैं जो चीजें डिमांड करने योग्य नहीं है। मेरे जैसे लोग जब मैंगो खरीदने जाते हैं, वाहियात मैंगो खरीद के जाते हैं हापुस के नाम पे, हम उनकी डिमांड बढ़ा दे रहे जो हापुस नहीं है, और हापुस बड़े बड़े खराब हो रहे दुकानों में, हमारे जैसे लोग उनका डिमांड नहीं कर रहे जो हापुस, हापुस का लैक ऑफ डिमांड हो गया, और जो वाहियात है लालबाग उसका डिमांड मैं ज्यादा कर ले रहा हूँ, यानी कि अर्थात क्या हो रहा है, हम जितनी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी ना उतना ये मार्केट फेलियर का प्रॉब्लम हो सकता है। आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया था सेकेंड हैंड कार में, अक्सर लोगों को लगता है सेकेंड हैंड मतलब वाहियात ही होगी, पर दोस्तों और हम उसके हिसाब से उसके रेट बोलते हैं, पर हो सकता है कुछ गाड़ी अच्छी भी होगी जो एकदम अच्छे से मेंटेन की होगी, पर हम लोग जो सेकंड हैंड कार बोलते हैं हमारे दिमाग में आता है कि बहुत बार इसका बैंड बजा होगा, तो हमने क्या करते हैं उसका जो है रेट कम बोलते हैं, इसलिए जिन लोगों ने गाड़ी अच्छे से रखी होगी ना वो बेचने में नहीं आती, वो अपनी गाड़ियां घर लेके मतलब अच्छी अच्छी गाड़ियां घर पे है, और जो फालतू की गाड़ियां लोग उसका डिमांड कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों क्या हो रहा है लैक ऑफ डिमांड हो रही है अच्छी गाड़ियों का, और बहुत फुल ऑन डिमांड हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है इसमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से मार्केट फेलियर हो सकता है, समझे आप? हाँ दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ये चैप्टर अपना इस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास पहले यही होता सिगरेट के टाइम पे भी, मालूम है सिगरेट इतना लोगों ने पिया, सिगरेट इतना पिया, इतना फूका लोगों ने, क्यों? जब तक लोगों को यह पता नहीं था कि इससे कैंसर भी हो रहा है मुफ्त में, आपसे मेरा सवाल है
आप बताएंगे दोस्तों, इंफॉर्मेशन करेक्शन के लिए गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है? गवर्नमेंट बोलती है सिगरेट का पैकेट जो है ना, उसके ऊपर वो पूरा डिटेल में लिखा होना चाहिए, लोगों के अंदर लोगों को अवेयरनेस कर लगा था ना, जनहित में जा रही नाम का रेडियो पे चलता है, या फिर वो थिएटर में मुकेश को दिखाएंगे, या साथ साथ में लेस के पैकेट पे लिखेंगे इसमें कितना कैलोरीज है और कितना क्या क्या है, या कोई मेडिसिन होगा उसके ऊपर, या फिर आईपीओ आने से पहले वो पूरी तरह से प्रॉस्पेक्टस, यानी कि दोस्तों भारत सरकार ने जनता को अवेयर करने के लिए हर कोई वो कदम उठाया है ताकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी कि मिसमैच ऑफ इन्फॉर्मेशन ना रहे। एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं मिसमैच ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे हटाया जाए। दोस्तों एक सवाल मैं पूछूं आपको, ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अमीर से ले लो गरीबों को दे, अमीर से ले लो। अरे कुछ भी यार, ये घड़ी घड़ी वही वही क्वेश्चन कितनी बार करूं यार मैं, अमीरों से गरीबों से। ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? अरे बोलो ना, अमीरों से टैक्स ले लेंगे, डायरेक्ट टैक्स भी ले लेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स भी ले लेंगे, गरीबों को क्या देंगे? सब्सिडी देंगे, अटल जी देंगे, उज्ज्वला देंगे, और क्या देंगे? हाँ, पेंशन स्कीम देंगे, उज्ज्वला भी देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे, सब्सिडी भी देंगे, उनको लो टैक्सेस लगाएंगे, अमीरों को हाई टैक्सेस लगाएंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों दिया है यहाँ पे, पर बाकी आपको समझा कि दो यूनिट हमने साथ में की। बताएंगे चार वजह कौन से मार्केट फेलियर रखी। मोनोपोली, एक्सटर्नलिटी, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। पढ़ाई करो। मोनोपोली, मोनोपोली, एक्सटर्नलिटी, पब्लिक और क्या है, इनकम्प्लीट। सुनो मेरी बात दोस्तों, आपके सामने ये चार वजह है, क्या बताएंगे? मोनोपोली के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? सीसीएल है। एक्सटर्नलिटी के लिए दो तरीके हैं, एक तो टैक्सेस लाएंगे, टैरिफ लाएंगे, और क्या बोलते हैं, परमिट लाएंगे। पब्लिक गुड्स के लिए अगर डीमेरिट गुड्स होंगे तो कबीर सिंह के हिसाब से बहुत टैक्सेस लगा देंगे, ड्यूटी लगा देंगे, और अच्छे गुड्स होंगे तो सब्सिडी देंगे, ड्यूटीज कम करेंगे। और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे, जैसे सिगरेट के पैकेट पे इन्फॉर्मेशन देंगे, लेस पे इन्फॉर्मेशन देंगे, मेडिसिन पे इन्फॉर्मेशन देंगे, प्रॉस्पेक्टस लाएंगे। और एग्जामिनेशन में एक्सटर्नली पूछा तो नेगेटिव, पॉजिटिव, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, याद आएगा? पब्लिक गुड्स बोला ना, इसमें अलग टाइप के गुड्स है बहुत सारे, क्वासी गुड्स, प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स, कॉमन है, फिर वो ग्लोबल वाला है, WHO वाला, फिर वो राइडर्स का प्रॉब्लम है, और इनकम्प्लीट में तो पता ही है आपको, इसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको ज्वेलर का याद आना चाहिए, डॉक्टर का याद आना चाहिए, सिगरेट का याद आना चाहिए, मैंगो वाला का एग्जाम्पल, ठीक है? दो यूनिट हमने साथ में खत्म किए। आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट गाइस? आर यू एबल टू रिकॉल? दोस्तों अभी आपके सामने आ रहा है यूनिट नंबर वन, गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट का स्टेबिलाइजेशन के, देखो बच्चों भारत सरकार के तीन काम है, भारत सरकार तीन काम कर लेती है, मैं बोलना चाहता हूं। मैं बोलना चाहता हूं, सुने ध्यान से, ना रहेगा इन्फ्लेशन, ना रहेगा रिसेशन, ना हमें वेनिला बनाना है, ना हमें अमेरिका बनाना है दोस्तों, ना हमें श्रीलंका जैसा इन्फ्लेशन करना है, ना कोरोना जैसा रिसेशन करना है। क्योंकि रिसेशन जब होता है पैसा कम होगा, लोगों की डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और साथ साथ में जब प्रोडक्शन ही नहीं तो गवर्नमेंट को भी टैक्सेस नहीं मिलेंगे, तो रिसेशन तो अच्छा नहीं। इन्फ्लेशन में पैसा बहुत बढ़ जाता है, और जब पैसा बढ़ेगा तो आम आदमी चीजों के रेट बढ़ा देता है, तो इतना पैसा बढ़ जाता है, इतना पैसा कि चीजों के रेट आसमान छूते हैं,
इसलिए जो बहुत गरीब लोग हैं उन चीजों को ले ही नहीं पाते, बराबर है। जैसे श्रीलंका में हो रहा है, पेट्रोल कुछ भी चल रहा है, यानी कि दोस्तों इन्फ्लेशन इतना इतना रेट बढ़ जाएंगे तो देखो किसी भी देश के लिए ना इन्फ्लेशन अच्छा होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेबलाइजेशन। तो क्या इसका चार्ट भी आपने बनाया था, स्टेबलाइजेशन में बताओ गवर्नमेंट के इसमें कौन से तरीके होते हैं। अरे स्टेबलाइजेशन गवर्नमेंट कैसा करती है, स्टेबलाइजेशन में गवर्नमेंट के इसमें ये चीजें होती है। स्टेबलाइजेशन में गवर्नमेंट के चार चीजें होती है, एक एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी। बता दोस्तों अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं आप मुझे जवाब दे, भारत देश में अगर इन्फ्लेशन चालू है और रेट ऑफ पैसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो आप पैसा कम दोगे एंड विल गो फॉर व्हाट, आप करोगे कॉन्ट्रैक्शनरी। दोस्तों लोगों के पास पैसा बहुत कम है, रिसेशन चालू है, पैसा बढ़ाना है एक्सपेंशनरी। दोस्तों अगर देश में रिसेशन है तो आप कौन सा बजट करोगे, पैसे ज्यादा दोगे यानी कि एक्सपेंस ज्यादा करोगे, इनकम हो जाएगी कम, आप करोगे डेफिसिट और सरप्लस, आप समझ जाओगे। याद करना दोस्तों जब भी स्टेबलाइजेशन करना है तो गवर्नमेंट को चार अवतार आपके, एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी, सरप्लस, डेफिसिट, याद आ जाएगा आपको पक्का, श्योर है। अगला पॉइंट, कम ऑन गाइस, क्या है अभी हमारे पास, रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। इसमें तो अमीरों से लेंगे, गरीबों को देंगे, अमीरों से लेंगे, लेंगे लेंगे किससे लेंगे, किसको देंगे, टैक्स लेंगे। वाह वाह दोस्तों, अमीरों से टैक्स लेंगे, गरीबों को सब्सिडी देंगे, गरीबों को योजनाएं देंगे, गरीबों को टैक्स कम करेंगे, गरीबों को आयुष्मान देंगे, उज्ज्वला भी दे देंगे, पंतप्रधान आवास योजना दे देंगे, गरीबों को पेंशन देंगे, गरीबों को राशन देंगे, गरीबों को सारी चीजें सस्ते में देंगे। एक्चुअली क्वेश्चन नहीं क्या, तीन चार बार सिलेबस में आता है, आंसर एक ही चाहिए, लेंगे देंगे, और क्या लेंगे, टैक्स लेंगे, और क्या लेने लायक तो कुछ है नहीं, और क्या देंगे। जाने तो फीलिंग कॉन्फिडेंट गाइस, मतलब आपको ये लेक्चर करके ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमिक्स आप अपने बस में आ रहा है। देखो सिर्फ आपको मेहनत जो करना है ना, थ्योरी तो पार्ट हो गया, एक वो लेक्चर मैं लूंगा, पर फिर भी आप भी स्वयं भी इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आईसीए ने जो इंट्रोड्यूस करे हैं आप मॉड्यूल से भी कर लेना, मैंने अलग से बुक भी दी है, पर मॉड्यूल में जो क्वेश्चन आया है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन को एक बार अच्छे से कर लेना, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। क्योंकि एग्जामिनेशन में हो सकता है हमने थ्योरी कर लिया और प्रैक्टिकल नहीं किया और उन्होंने प्रैक्टिकल पूछा, क्योंकि 40 मार्क को तो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, पर एग्जामिनेशन 50 मार्क के क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 40 सॉल्व करना होता है, तो ऐसा भी हो सकता है 15 मार्क के लिए 18 मार्क के लिए उन्होंने प्रैक्टिकल पूछा हो, पर इसी थ्योरी को फंडामेंटल यूज करके उन्होंने प्रैक्टिकल बनाए होते हैं, पर वो एक बार जब तक आप सॉल्व नहीं करते आपको उसको सॉल्व नहीं करते आएगा। तो इसलिए जरूर आप आईसीए के मॉडल को विजिट करके, वो मैं तो आपको सेपरेटली सॉल्व करके दूंगा, पर आप भी याद रखे मुझे आईसीए के मॉडल में दिए हुए सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, यह आपका निर्धार होना चाहिए। आगे दोस्तों आगे बढ़ना है, हाँ स्टेबलाइजेशन हो गया, अलोकेशन की बात, देखो अलोकेशन क्या, भारत सरकार के पास सबसे बड़ा वेपन है बजट। बजट में डिसाइड करते जो क्षेत्र कम हो रहा होगा ना उसको आप बजट में आ गए, अगर उनको लगता रास्ते कम हो रहे बजट दे दो, मतलब अच्छा देश में वैक्सीन कम हो रही दे दो, यानी कि उनको अच्छा कहां से अभी इसमें वैक्सीन के लिए पैसे लग रहे, कहां से लाएंगे, ए सिगरेट का टैक्स बढ़ा हो रहा है, हाँ दादा इसका जीएसटी लगा उसके ऊपर, अच्छा 12% था 28 लगा दो, यानी कि दोस्तों क्या करते हैं लोग, इनको पता होता है वेपन्स के, वेपन यानी गवर्नमेंट के इसमें वेपन है सबसे बड़ा कौन सा, बजट। गवर्नमेंट क्या करती है जो, अच्छा क्या होता है ना ये क्या है, फिस्कल फंक्शन, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन पूछेंगे द रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट तीन तरीके से हरकत में आके भारत देश में क्या करती है, एक तो स्टेबलाइजेशन करती है, एक तो रिडिस्ट्रीब्यूशन करती है, और तीसरी बात अलग से फिस्कल फंक्शन। भारत सरकार तीन काम करती है, स्टेबलाइजेशन करती है, अलोकेशन करती है, अमीरों से लेंगे यानी रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, स्टेबलाइजेशन रिसेशन भी नहीं होने देंगे, इन्फ्लेशन अभी भारत देश में पंतप्रधान जी पूरा माइंडसेट इन्फ्लेशन होने दे रहे हैं, अभी बहुत रेट बढ़ रहा है इंडिया में आप, अरे स्टील का रेट इतना बढ़ गया, मेरा दोस्त बोल रहा था कि बोले सर स्टील और सीमेंट इतना बढ़ गया है, बोले हमने जब जब स्टील के रेट कम थे तो उन्होंने बिल्डिंग का रेट
अभी देखना कोई भी फ्लैट के रेट 1.25 से बढ़ गए, यानी कि 100 रुपए से सवा सौ गए। इतना स्टील और इतना सीमेंट बढ़ गया है तो उनका कंजम्पशन यानी कि उनका कॉस्टिंग हिल गया ना पूरा। तो अभी जो चीज़ें अब इन्फ्लेशन ही तो कहा जाएगा उसको। अब चाहते तो मोदी इसको कंट्रोल में ला सकते हैं, पर वो क्या बोल रहा है, मैं एक्सपेंशन के मोड में हूँ, मैं अगर रिसेशन में लाऊंगा यानी इसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करूंगा तो मुझे टैक्सेस बढ़ाना पड़ेंगे, मुझे इंटरेस्ट रेट को जो बढ़ाना पड़ेगा, तो सारा जो पैसा है लोगों के हाथ से निकल के मेरे पास में आ जाएगा। और मैं नहीं चाहता देश की विकास रुके, इसलिए प्रॉब्लम देश में भी इन्फ्लेशन है, पर गवर्नमेंट चाहता तो गवर्नमेंट 6 महीने के अंदर इन्फ्लेशन रेट डाउन कर सकता है। पर अब उनके उनके ऊपर अभी उनको कैसे देश को आगे ले जाना है, उनको विजन पता है, स्ट्रैटेजी वो डिसाइड करेंगे। स्टेबिलाइजेशन हो गया, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एलोकेशन मतलब क्या रहे, ये बहुत सिंपल सी चीज है। देखो एलोकेशन उसको बोलते हैं, एलोकेशन में क्या करते हैं वो, जो चीजें उनको लगती है कि देश में इतनी सही नहीं हो रही वो कंट्रोल अपन खुद ही इलेक्ट्रिसिटी बना देंगे, खुद ही रेलवे लेके जाएंगे। देखो लिखा ना, अगर को लगता है डायरेक्ट प्रोडक्शन, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस रिसोर्सेज एलोकेशन बाय, कैसे रिसोर्स, उनको लगता है रिसोर्सेज कम हो रही रेलवे की, खुद रेलवे अपने हाथ में ले लिया। जब उनको लगेगा रेलवे हमसे नहीं हो रहा है वो जापान वालों को लेके आ जाएंगे। इन्फ्लुएंस ओवर प्राइवेट एलोकेशन थ्रू इंसेंटिव, समझा क्या इंसेंटिव, अगर उनको लगता है कि कुछ चीजों का यार सप्लाई और बढ़ना चाहिए, यूरिया का बढ़ना चाहिए, तो यूरिया को इंसेंटिव दे देंगे। समझ में आ रहा है, इन्फ्लुएंस टू द कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज, मर्जर पॉलिसीज एक्सेट्रा विच अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री। यानी कि आपको लगता है बैंक वाले जो है तो बैंक को, दो बैंक बोल दिया तो मर्ज कर लो। देखो भारत सरकार को पूरा अधिकार है कि उनको कैसे कैसे चीजों को यूज करके मर्जर करना है या खुद लॉन्च करना है। जब भी उनको लगता है कि कुछ चीजें देश में गलत हो रही है तो उस हिसाब से चीजों को एलोकेशन कर देते हैं। अरे क्या संबंध है यार, मुझे बताओ, SBI बोल रहा है मुझे 5-6 बैंक से मर्जर नहीं करते, बोलते हमने बोला ना मर्ज जाओ, देश में बहुत ज्यादा NPA बढ़ रहे हो जाओ मर्जर। यानी कैसा, अब एयर इंडिया को बेच दिया टाटा को, तो भारत सरकार को अभी क्योंकि भारत सरकार को पैसे चाहिए थे, एयर इंडिया के बेच के जो पैसे आएंगे वापस कुछ नया विकास करेंगे, गडकरी को दे देंगे, गडकरी बनाओ हाईवे। तो ये उनका काम होता है कि कहां से पैसे लाना है, एलोकेशन कर तो लाना भी तो पड़ेगा ना, तो ये भारत सरकार का काम होता है। तो मोदी जी बैठते होंगे आंटी के साथ में, क्या नाम उसका, निर्मला जी, आंटी जी बताओ इतना मेरा विकास तो करना है, लाओ तुम पैसे। और भैया कहाँ से लो पैसे, ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ मुझे 3000 करोड़ या 3 लाख करोड़ और लगेंगे, ठीक है काम करती हूँ मैं, वो जो GST 5% है ना मैं 12 कर देता हूँ। जरा देखो रे 12 करके कितना था हिसाब, बोले 2 लाख करोड़, अच्छा 1 लाख करोड़ और चाहिए, कहाँ से ला यार। देखो सर आप पेट्रोल ही बचा है बस, बोले काम करो एक साथ 25 रुपए मत बढ़ाओ, हर रोज 8 आने बढ़ाओ, हर रोज 10-10 पैसे बढ़ाओ, ताकि लोगों को दर्द भी नहीं होना चाहिए पर दर्द होना चाहिए, तो रोज 10-10 पैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, उनको लगता है एलोकेशन दारू में कम होना चाहिए, दारू बैन कर देंगे। यानी कि जिस चीज में उनको लगता है एलोकेशन कम होना चाहिए, यानी कौन सी चीज देश में ज्यादा बढ़ना चाहिए और कौन सी चीज कम होना चाहिए, ये भारत सरकार एक तो लॉ लाएंगे या तो इंसेंटिव लाएंगे, कभी तो मर्जर करवा देंगे, कभी चीजें खुद कर लेंगे। ये एलोकेशन में भारत सरकार का रहा है, वो अपने तरीके से डिसाइड करेंगे। आप एग्जामिनेशन में सवाल पूछेंगे एलोकेशन क्या होता है तो आपको ये बजट और ये सारी चीज याद आना चाहिए। रिडिस्ट्रीब्यूशन अमीरों से लेंगे गरीबों को देंगे, और स्टेबलाइजेशन मतलब क्या, ना होने देंगे इन्फ्लेशन हम तो करेंगे, उसके लिए एक्सपेंशनरी कर सकते हैं, रिसेंशनरी कर सकते हैं, और डेफिशिएंट है सरप्लस। इसी के साथ में चैप्टर भी हो गया खत्म, चैप्टर नंबर 2 पूरी तरह से खत्म किया दोस्तों। आपने क्या माहौल बनाया, अमेजिंग है, सुपर फैंटास्टिक। और दोस्तों आ रहा है आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 आपके सामने, आर यू रेडी नाउ दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 चेक इट आउट। दोस्तों ये बहुत ही घिरा हुआ चैप्टर आपके सामने है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर 5 यूनिट है, और सारे यूनिट्स आपको आते हैं, सिर्फ आपको पता नहीं आपको आता है। जब हम लोग रिकॉल करेंगे तो देखो अभी 5 थ्योरी, देखो सबसे पहली थ्योरी मालूम है आपकी कौन सी है, मर्केंटलिस्ट है। मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा, इस इकोनॉमिक्स को हमने जी जान लगा के पढ़ा है, इस लेक्चर को आप बहुत बार देखिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी।
ओके दोस्तों, कैन आई स्टार्ट नाउ? शुड आई स्टार्ट, शुड आई बिगिन? दोस्तों पता हो, इंटरनेशनल ट्रेड में हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट थ्योरी? द मर्केंटलिस्ट व्यू ऑफ, ये क्या, ये आदमी बोला था, वो क्या बोलता था, हमेशा एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करने, ऐसे सबको बोला तुम एक्सपोर्ट करो, तो कोई तो इंपोर्ट करना चाहिए ना, बोलता ना सब एक्सपोर्ट करेंगे. बोले फिर क्या करें, फिर जो भी पैसा आएगा वो पैसे से सिर्फ क्या करो, मेटल करो, मेटल, गोल्ड सिल्वर डायमंड. और क्योंकि उसका माना था जो देश के पास में ज्यादा मेटल होगा वो देश बहुत. ये आदमी अपने आप में एक हादसा था. दूसरा पॉइंट, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज. आपको पता है मैंने इसके सबके समरी आपको बना के दिए हैं, छोटे छोटे इससे भी और समरी बना के दिए हैं. अरे आप वो भी तो देखो, पर मुझे पता नहीं चलता कि आपको जो लिखा है आपको दिख भी रहा है. एग्जामिनेशन के पहले दिन पढ़ने वाला जो मैंने आपको चार्ट बना के दिया ना, वो इतना औसम है ना, उसको पढ़ के ही आपको सब समझ जाएगा. आपको पता है एब्सोल्यूट में क्या होता है? अभी क्या होता है, एक कंट्री गेहूं अच्छा बनाती है, एक कंट्री कपड़े अच्छे बनाती है. सही पकड़े हैं अनुराग, अनुराग बोलता नहीं पर जो बोलता है. दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे जो कंट्री ए है ना, वो एक घंटे में 6 किलो गेहूं बनाती है, और कंट्री भी पूरे 1 घंटे से 1 किलो. ये कैसा है, यानी कि कंट्री ए का गेहूं बनाने का तरीका भी एक नंबर है, पर कंट्री बी, कंट्री कपड़ों की जब बात करेंगे तो कंट्री बी जो है 1 घंटे में 5 कपड़े बनाती है, और कंट्री ए जो है वो सिर्फ 4 बनाती है. यानी कि एक कंट्री गेहूं अच्छा बनाती है, एक कंट्री कपड़े अच्छे बनाती है. ये बोल रहा है ऐसा एक काम करो, आपको कपड़ों की जरूरत है, आपको वेट की, दोनों तुम को बनाओ, तुम वही बनाओ जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें अच्छा आता है. इसी को कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एडवांटेज. ए को एडवांटेज क्या बनाने का है, गेहूं. बी को एडवांटेज क्या है, कपड़े. यानी कि ए बनाएंगा ज्यादा गेहूं, बी बनाएंगे ज्यादा, और फिर दोनों ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा कर देंगे, ऐसा इधर से गेहूं भेजेंगे, इधर से कपड़े भेजेंगे, ऐसा करेंगे, कैसा ऐसा करेंगे. ओके, दिस इज व्हाट इज व्हाट एब्सोल्यूट, व्हाट इज दिस एब्सोल्यूट एडवांटेज कहते हैं इसको. व्हाट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एडवांटेज, एडवांटेज ए को मिला है गेहूं का एडवांटेज, बी को मिला कपड़ों का एडवांटेज. आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कंपेटिटिव. अब ये बहुत गलत हुआ है, यहाँ पे कंट्री बी जो किसी लायक रही है वो हर क्षेत्र में पीछे है, ना वो कपड़े बना सकती ढंग के, ना गेहूं बना सकती ढंग के. आप क्या बोलेंगे, जैसे बी घटिया है, पर बी कम घटिया है कपड़ों में, क्योंकि बी 4 के बदले 2 बनाती है कपड़े, और गेहूं 6 के बदले सिर्फ 1. यानी ये सिर्फ 66% है, 66%, और ये 50% है. यानी कि दोस्तों इसमें बहुत घटिया वो गेहूं में है, और थोड़ा बेटर वो क्लोथ में है, कपड़ों में थोड़ा ठीक काम करता है, और बी जो है वो व्हीट में तो बहुत घटिया बनाता है. तो आप अगर वैसा देखिए, अगर इसको मैं एब्सोल्यूट एडवांटेज तेरी के हिसाब से देखूंगा, तो वो कहेंगे तुम एक काम करो, कंट्री है तुम्ही गेहूं बना दो और तुम्ही कपड़े बना दो, ये एब्सोल्यूट एडवांटेज बोलता. ये बोलता है ऐसा नहीं, कंपेटिटिव मेरे का है. अब इसमें दोनों चीजें ये अच्छा बना रहा है, दोनों चीजें बी खराब बना रहा है, एक काम करेंगे, बी थोड़ा कपड़ों ठीक है, तो बी को कपड़े ज्यादा बनाने दो और ए को ज्यादा गेहूं बनाने दो. यानी कि ए क्या भेजेगा और बी क्या भेजेगा. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट दोस्तों, ये ओह, अरे नाम ही इसका ओ, अरे ओहलीन, प्रथम इसका नाम ओहलीन है. ओह ओह, शट अप, सावट मुलायत. ये ओहलीन है, ओहलीन, ओ एच ओहलीन. इसका नाम याद रख लो भाई, इसके नाम में नशा है. हो, इसको बोलते हो, एच ओ हो, और आप उसको ओहलीन भी बोल सकते. ओ प्लीज ऐसा नाम मत लो, इसका नाम आप हो भी कर सकते हो या ओह भी कर सकते हो. तो ओ हो, ओ हो,
इसका बोलना है कुछ कंट्री जो है लेबर ओरिएंटेड होती है, कुछ कंट्री कैपिटल है। चाइना जैसे लोग जो कैपिटल बहुत पैसा लेके बैठा है, अमेरिका जैसे बहुत कैपिटल ओरिएंटेड है, ऐसे लोगों ने वही धंधे करना चाहिए जिसमें कैपिटल यानी कि पैसा बहुत ज्यादा लगता है। भारत देश में लेबर बहुत है, इन्होंने ऐसे ही धंधे करना चाहिए जिसमें लेबर की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत कम है। तो इसलिए क्या अगर हम लोग बीपीओ केपीओ बनाएंगे, आईटी सर्विसेज देंगे, तो हम ऐसी सर्विसेज देंगे और लोग उनकी कंपनी से बनाए हमारे पास में टॉयज देंगे, फायर क्रैकर्स देंगे, वो फर्नीचर देंगे, हम आईटी सर्विस बीपीओ केपीओ देंगे। ये बराबर का हिसाब है। जिसको जो आता वो करो ना भाई, तुम क्या करो, तुम वो बनाओ जिसको पैसे लगा के बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगती है, और हम लोग क्या, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम उनको लेबर सर्विस देंगे, उधर से गुड्स देंगे। तो हमें हमारा, इसलिए तो हम लोग मोबाइल इंपोर्ट, टॉयज इंपोर्ट, फर्नीचर, गाड़िया, और हम यहां से क्या करते हैं, आईटी सर्विस, लेबर सर्विस, केपीओ, बीपीओ, ऐसा ऐसा करेंगे। ओह 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 ओह, कैपिटल आएगा, लेबर जाएगा। ओ याद रखना, ओ में कैपिटल आता, सही पकड़े हैं, कैपिटल आता लेबर जाता, कैपिटल आता ओ ओ, कैपिटल आता ओ ओ, कैपिटल ओ ओ। बेटा तुम ओ को प्रोनाउंस जो कर रहे हो सही नहीं, वो नॉर्मल है, तुम उसमें इतना माहौल बना के बोल रहे हैं। कैपिटल आता लेबर जाता, ओ ओ ओ, ठीक है बेटा, तुम जिस प्रकार से इसको बोल रहे हैं ना, वो इतना अंदर से ऐसा मत बोलो, प्रथम तो बहुत घटिया कर रहा था। दोस्तों अभी नया आ चुका है, दोस्तों अभी आया है एंटिटी न्यू ट्रेड, यस शट अप गाइस, दोस्तों आ चुका है न्यू ट्रेड तेरी। न्यू ट्रेड तेरी में होता क्या, उनका अभी कोई भी किसके साथ में कुछ भी, यानी कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग जो मोबाइल बना, देखो मोबाइल इंडिया में इंपोर्ट भी हो रहा है, मोबाइल इंडिया के लोग भी बना रहे हैं, कार इंडिया में बन रही है, कार इंपोर्ट भी हो रही है, यानी कि बोलते हैं लेट देम फाइट, लेट देम कॉम्पीट, कस्टमर का फायदा होने दो। ये बनाएंगे वो बनाएंगे कुछ नहीं, पूरा जिसको जो करना है खुलेआम, यानी हम लोग भी कार बनाएंगे श्रुति जी, वो भी कार बनाएंगे, फिर इंडिया की कार, फॉरेन की कार, फिर करेंगे न्यू ट्रेड, हमारे इंडिया का भी मोबाइल, उनके भी मोबाइल, ऐसा नहीं कि वो मोबाइल अच्छा हम लोग चुप बैठेंगे, उनको भी करने तो हम भी करेंगे, जिसमें तो हमें आगे जाएगा, इसको तो इसको बोलते हैं न्यू ट्रेड थ्योरी। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बताओ एक कंट्री गेहूं अच्छा बनाती है, एक कंट्री कपड़े अच्छे बनाती है, क्या बोले, एब्सोल्यूट एडवांटेज, जिसको जो करना है कर दो, हम भी मोबाइल तुम भी मोबाइल, एनटीटी, वो बनाएंगे कैपिटल, वो देंगे कैपिटल, हम देंगे लेबर, हम देंगे लेबर, वो देंगे कैपिटल, ओ ओ। दोस्तों आपसे एक सवाल पूछेंगे, मित्रों आपसे एक सवाल पूछेंगे, कंट्री यही दो अच्छा बनाती है और कंट्री भी दोनों घटिया बनाती है, उसको बोलते हैं कंपैरेटिवली भी क्या अच्छा बनाता है, वहां पे था कंपैरेटिव। अब एक सवाल है, वो बोलता है पूरा एक्सपोर्ट ही करो, इंपोर्ट करने का ही नहीं, पूरा एक्सपोर्ट करेंगे और उस एक्सपोर्ट करके पैसा जो आएगा ना उससे मेटल लेंगे, ये तो ऑर्थोडॉक्स, क्या नाम है उसका, ये मर्केंटाइल है। दोस्तों इसी के साथ में एक चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट गाइस, याद हो रहा है क्या, रिकॉल हो रहा ना, मतलब यू फील कॉन्फिडेंट ऑन, सच बोलो, क्योंकि
जिस टाइप के क्वेश्चंस भी आईसीएफ पूछता है ना इस चैप्टर में, ये आपने इसका भी चार्ट बनाया था याद करो, चैप्टर फोर। अरे अभी तो हाल ही में होगा ये, हाँ इसका हर एक का चार्ट बनाया है, हर किसी का एक सेपरेट चार्ट इसके अलावा भी और बना के दिया है। याद है पहले ट्रेड रीजनल ट्रेड अरेंजमेंट हुआ करते एग्रीमेंट्स, यानी कि सी वो था ना नाफ्ता एशियन, ये आरटीए थे पहले, जो मैक्सिको कनाडा अमेरिका इन्होंने क्या बनाया, नाफ्ता बनाया, तो तीन कंट्री ने मिलकर बनाया, ये था रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। पर दोस्तों ये कुछ देशों तक सीमित थे, आरटी के तीन बच्चे थे, यूनिलैटरल बायोलैटरल एंड फ्री ट्रेड। ए ने बी से मोहब्बत करी सिर्फ, ए ने बी से और बी ने ए से करी, पर स्पेसिफिक गुड्स में करी बायोलैटरल। फ्री ट्रेड में ए ने बी से, बी ने ए से करी, और मोहब्बत में कोई रिस्ट्रिक्शन है किसी भी हद तक कुछ भी। देखो क्या होता है ना, जब दो देश आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं बगैर कोई रेस्ट्रिक्शन के, उसको फ्री ट्रेड कहते हैं, पर वो जुड़ते हैं पर रेस्ट्रिक्शन के साथ बायलेटरल, और बोलते हैं नहीं एक तरफा मोहब्बत होगी। यूएसए ने बहुत कंट्रीज से यूनिलेटर किया है, वो बोलता है चल ठीक है तुम मुझे ज्यादा चार्ज करो पर मैं तुम्हें नहीं करूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूँ, उसको बोलते हैं यूनिलेटरल। अब देखो गैट की बात करेंगे, गैट की बात करेंगे, आरटीए क्या था, रीजनल था, गैट क्या था, बहुत सारे जनरल बना दिए, नाम में लिखा है, तो ये बहुत देशों का मिला के एक जनरल एग्रीमेंट बनाया था। पर दोस्तों इसकी भी कुछ खामियां हैं, वैसे आपको मैं बताना चाहूंगा आपके लिए, ये गैट में प्रॉब्लम है, गैट में, अरे बोलो ना गैट में क्या प्रॉब्लम है, अरे कुछ बोलोगे क्या, मुझे बोलना है, दोस्तों मुझे कुछ बोलना है, क्या आप मुझे बताएंगे गैट कब तक था, 1994 तक। गैट में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, गैट को थोड़ा बुराई करो, गैट ने एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं किया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए कुछ नहीं किया, इट वाज जस्ट एन एग्रीमेंट, इट वाज नॉट एन इंस्टीट्यूट, डिस्प्यूट सॉल्व नहीं किए। ये जो था ना, ये जो एग्जिस्टिंग जो आरटीए थे लोगों को, उसको ये ओवरराइड नहीं कर पाया। जीटीए के जो एग्रीमेंट्स थे उसकी एम्बिग्यूटीज को बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। कुल मिलाकर गैट जिस मकसद के लिए आया था वो मकसद कामयाब हो ना पाया। आई रिपीट वन मोर टाइम, गैट ने कितने दर्द दिए, एक वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का फ्री ट्रेड नहीं कर पाए। देखो बच्चों चाहे गैट हो चाहे डब्ल्यूटीओ, मकसद एक ही था, लिबरलाइजेशन, फ्री ट्रेड, वर्ल्ड मिला के एक कंट्री होना चाहिए, हर कंट्री अपना अपना फायदा ना देखे, फ्री ट्रेड करे, लिबरलाइजेशन, कोई रोक टोक नहीं, ऑब्जेक्टिव, ताकि सबका विकास होगा अगर सबका साथ होगा। पर यहां पे सबका विकास होने में गैट नाकामयाब रहा। भाई और बहनों इसकी प्रॉब्लम थी, इसके एग्रीमेंट में कुछ इतनी एम्बिग्यूटीज थी, उसका एक्सप्लॉयटेशन भी लोगों ने किया। एग्रीकल्चर को फ्री ट्रेड में नहीं लाने दिया, कुछ किया नहीं एग्रीकल्चर के लिए, ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए कुछ किया। साथ साथ में दोस्तों गैट एक, इट वॉज जस्ट एन एग्रीमेंट, इट वॉज नॉट एन इंस्टीट्यूट, डिस्प्यूट मैकेनिज्म सिस्टम उनके इसमें ठीक से थी नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम गैट में थे, जिसके चलते WTO को इंट्रोड्यूस किया गया। WTO के चार बेसिक ऑब्जेक्टिव थे, ऐसे पांच थे छह थे सब में, देखो WTO के ऑब्जेक्टिव बताएंगे कौन से। WTO ने बोला कि सब कंट्री के लिए फ्री ट्रेड करवाओ, फेयर डील करो, हर चीज प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। क्या प्रेडिक्टेबल, एक कंट्री अगर दूसरे कंट्री कुछ बेचे तो उसको श्योर होना चाहिए पैसे आने ही वाला, फेयर ट्रेड करो, धोखा मत दो किसी कंट्री। इतना ही नहीं, हम तुमसे बाय करेंगे तुम हमसे बाय करना, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एक दूसरे के कंट्री का इनकम बढ़ेगा है ना, और अल्टीमेटली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ये सब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO, याद रखना WTO के ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद में दोस्तों ये तो खत्म हो गया, स्ट्रक्चर तीन स्ट्रक्चर है इसके, एक मिनिस्ट्री, एक जनरल काउंसिल, फिर एक गुड्स का, सर्विसेज का एंड इंटेलेक्चुअल। ये लोग दो सालों में एक बार मिलते हैं, जनरल के लोग बार बार मिलते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, गुड्स के लिए अलग उन्होंने कमेटी बनाई है, गुड्स के अंदर सारी चीजें सही चल रही है दो देशों के बीच में,
दो ऐसे इंडिया यूएसए को सर्विस दे रहा है, वो सब सही चल रहा दोनों के बीच में, ये कमिटी चेक करती है। यूट्यूब गूगल इंडिया में चल रहे हैं, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नेटफ्लिक्स इंडिया में चल रहा है, वो सब सही चल रहा है कि नहीं ये चेक करते है ना। तो तीन लेयर्स कौन से मिनिस्ट्री, जनरल एंड लास्ट में क्या, ये सब गुड सर्विस हो रही है। गाइडलाइंस ऑफ WTO, यही पढ़ा था हमने प्रियंका चोपड़ा, क्यों प्रियंका चोपड़ा दीदी दीदी दी लद्दाख के नेशनल हाईवे पे फ्री ट्रेड कर रही थी, क्यों दीदी ने हाँ लद्दाख के नेशनल हाईवे पे फ्री ट्रेड किया, क्यों है ना ये मालूम है? देखो WTO का प्रिंसिपल है, WTO का प्रिंसिपल है कि हमेशा आपने अगर दो कंट्री में कुछ लाना है ना, टैरिफ मत बढ़ाओ, क्वांटिटी का रेस्ट्रिक्शन लाओ। पीस से बताओ, यानी कि एक देश दूसरे के साथ में काम कर रहा होगा ना, उसको पता होना चाहिए शॉर्ट शॉर्ट पैसे आने ही वाले। सी से बताइए, यानी कि क्या करो, उधर के लोगों को इंडिया में मोबाइल लाने दो, इंडिया के लिए भी मोबाइल करेंगे, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने देना, यही उनका एक ये प्रिंसिपल्स है जिन उसूलों पर, जिन सिद्धांतों पर WTO टिका है। डी से वॉट, यानी कि डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंसी रखो, WTO ने किसी एक की पार्शलिटी नहीं लेना चाहिए। और बताइए, डिस्प्यूट मैकेनिज्म सिस्टम में भी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और बताइए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि कोई छोटा कोई बड़ा, डिस्क्रिमिनेट भेदभाव मत करिएगा। जैसे आप चाइना के फेवर में हो, USA के फेवर में नहीं, वो देखा ना उस दिन कैसा बोल रहा था तात्या, वही क्या नाम उसका, डोनाल्ड ट्रंप, वो बोल रहा ना हमारे साथ में पार्शलिटी करता है, ये मेरे साथ चीटिंग करता है। डी फॉर व्हाट, वो बोल रहा है कि लेस डेवलप्ड जो कंट्रीज है ना उसको हम लोग ज्यादा सपोर्ट करेंगे। एल से व्हाट, लिबरलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि कोई रोक टोक दो देश के बीच में रोक टोक नहीं होना चाहिए। ए से बोलिएगा, मार्केट एक्सेस आपको पूरे वर्ल्ड वाइड मिलना चाहिए। और डी बोलिएगा, आपने अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए अगर चाइना के फायर क्रैकर आने की वजह से इंडिया के गायब हो रहे होंगे, तो उस केस में आप, उस केस में क्या करना, आप अपने बचा सकते हैं अपने फायर क्रैकर्स को। एन फॉर व्हाट होता था ना, NTC, ठीक है। एच फॉर हेल्थ, यानी कि फ्री ट्रेड करने के चक्कर में आपने हेल्थ खराब नहीं होने देना चाहिए, यानी कि वही चीजों का ट्रेड होने दो जो हेल्थ के लिए अच्छी है। और फ्री यानी कि फ्री ट्रेड करो यार, इतना ट्रेड इतना टैरिफ क्या लगा के रखा है। तो ये इन उसूलों पर बोलो जल्दी से, इन उसूलों पर क्या WTO बेस्ड है। याद रखो दोस्तों, जब मेमोरिटी नहीं आती है भूलने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं, इसको एक दो बार रिवाइज करने पर वो पॉइंट से आते हैं। हो सकता है आपको एग्जाम से तो और एक दो तीन बार पढ़ना पड़े तो आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएगा। इस लेक्चर को आप बहुत बार देखें तो बहुत आगे जाएंगे। बोलो क्यू फॉर व्हाट, आपने क्वांटिटेटिव वाला काम करना चाहिए, दो देशों को टैरिफ मत बढ़ाओ, कोटा कर दो कोटा। हाँ क्यों प्रियंका चोपड़ा, प्रेडिक्टेबिलिटी, अगर मैं बेच रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए पैसे आने वाले। कॉम्पिटिटिवनेस यानी कि मतलब क्या है इसका, इतना कॉम्पिटिशन बढ़ा दो है ना। आगे डी से डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, डिस्प्यूट मैकेनिज्म ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेस डेवलप्ड कंट्री को हम लोग बढ़ावा देंगे, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे, भेदभाव नहीं होने देंगे। एल से लिबरलाइजेशन करेंगे, ए से मार्केट एक्सेस पूरा वर्ल्ड करवा देंगे, डी से वॉट, वापस से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने देंगे, उनको घायल नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में एच फॉर व्हाट, हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए फ्री ट्रेड करवाएंगे। एंड द लास्ट में ये हो गया। और दोस्तों इसी के साथ में ये चैप्टर भी खत्म हो गया। कंसर्न उसे कुछ नहीं है, उसके उल्टे कंसर्न है। वो लेस डेवलप्ड को लगता है हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो मोर डेवलप्ड को लगता है, वो अमेरिका बोलता है हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं, सब लोग रोते रहते इसके नाम पर। WTO का फ्यूचर ही धोखे में है, किसी को, हर किसी को लगता है कि हम धोखे, हमारे लिए वो कुछ नहीं कर रहा है।
समझ आ रहा है? यहाँ पे जो लोगों ने अविश्वास जताया है या अभी भी एग्रीकल्चर और इन सब चीजों के लिए बहुत कुछ कर नहीं पा रहे, ये WTO का कंसर्न है ही। इसी के साथ दोस्तों, अगर इस चैप्टर में अगर आप, मैं पूछूं आपसे, तो कौन सी चीजें यहाँ पे आई है, क्या आप बता सकते हैं? चैप्टर नंबर 4 में, यूनिट नंबर 3 में, आप एक तो RTA की बात करते हैं, आप GATT की बात करते हैं, और तीसरा WTO। WTO के ऑब्जेक्टिव करते हैं आप, इसके कंसर्न की बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। क्लियर है? इतना ही चैप्टर में था। आप बताएंगे नाफ्ता किसका एग्जांपल है? उसके बाद में GATT आया, GATT भी नहीं चला, 1994 में WTO आया, और गाइडलाइन का एग्जांपल है प्रियंका चोपड़ा, आप जानती है। स्ट्रक्चर 3 है, मिनिस्ट्री है, जनरल है, और वो है कंसर्न, जानती है। ऑब्जेक्टिव बताएंगे दो चार, GDP बढ़ाना है, नेशनल इनकम बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, फेयर काम करेंगे, है ना, प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, डिमांड बढ़ा देंगे। नेक्स्ट दोस्तों, चैप्टर नंबर 4, यूनिट नंबर 4, ये आपके सामने। दोस्तों आप लोग जानते नहीं, हम लोग जिस रफ्तार से कर रहे हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट आज आपको इसलिए आ रहा है बिकॉज आप क्लास में अच्छे से पढ़ रहे थे, क्योंकि ये आज का आउटपुट नहीं, इसके लोग लग रहा होगा 2 घंटे में इकोनॉमिक्स होता है, पर वो नहीं जानते हम लोग 20 दिन से इसमें कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये लेवल आने के लिए बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि ये लेवल आने के लिए हमने एक एक चीज को, आपको पता है, हर रोज हमने 2-2.5 घंटा जब पढ़ा था तब एक यूनिट खत्म होता था। आज वो स्थिति में है कि हम लोग 2 घंटे में पूरा इकोनॉमिक्स खत्म कर रहे हैं। इसका चार्ट आपने बनाया था, आप जरा देखिए, एक्सचेंज रेट तो सब जानते हैं, $1 इक्वल टू आपकी तरह 75, ये इसको ही एक्सचेंज रेट बोलते हैं। दुनिया में 2 टाइप के एक्सचेंज रेट है, एक है फिक्स रेट, एक तो फ्लोटिंग रेट। अभी फिलहाल इंडिया में फ्लोटिंग रेट ही चल रहा है, पर अगर दोस्तों फिक्स रेट यानी कि पहले से ही दो गवर्नमेंट और 2 बैंक्स पहले से प्री डिसाइडेड रेट करती है, जो डिमांड सप्लाई के ऊपर निर्भर नहीं रहता, जो डिमांड सप्लाई पे निर्भर रहता वो फिक्स, जो डिमांड सप्लाई पे निर्भर रहता वो फ्लोटिंग, और जहां पे 2 देशों के बीच में रेट पहले से डिसाइडेड हो जाते हैं उसको हम लोग फिक्स कहते हैं। भाई और बहनों, अगर आपका जो डॉलर का रेट था, $1 = 70, अब वो $8 = 90 rupees, आप बताओ रुपीज का क्या हुआ है? डेप्रिसिएशन हुआ है कि डिवैल्यूएशन हुआ है? उसको यानी कि रुपी का वैल्यू, हमें 90 में रुपए मिल रहा है, यानी कि हमारी वैल्यू डॉलर के मुकाबले में कम हुई, इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। यानी कि जब फ्लोटिंग रेट होता ना, वहां पे कौन सा डेप्रिसिएशन। पर फिक्स रेट अगर पहले $1 = 50 था, आप $1 = 70 हुआ, यानी कि रुपी का वैल्यू घट रहा है, इसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। क्या बोलते इसको? समझ गए? एक को डेप्रिसिएशन, एक को डिवैल्यूएशन। समझ आए? अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, हमें फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए? अरे हमें यार उधर बैंक अकाउंट खोलना है, तो हमें बैंक, हमें किसको गिफ्ट देना है, हमें किसको कुछ यहां से भेजना है, या हमें फॉरेन में कुछ कैपिटल असेट खरीदना है। अरे बोलो, आपने लिखा है मेरे पास, क्या देख रहे हो? आपने चार्ट बनाया इसका? मैं नहीं सुन रहा, पहले चार्ट देखो आप लोग, चार्ट तो पढ़ो, आपने क्या क्या लिखा है। ये तो विशाल को मिल रहा ही नहीं चार्ट की तरह बनाए, वो कब से ऑलेज से देख रहे हैं, उस दिन आया नहीं होगा क्लास में। मैं कुछ आगे बढ़ना चाहता हूं, व्हाई डू वी नीड फॉरेन एक्सचेंज, ये बताएंगे आप, पढ़ के बताएंगे या ऐसे बोलेंगे? इंडिया के लोग बाहर घूमने जाएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज लेंगे, दुबई में फ्लैट खरीदना तो लगेगा, उधर फॉरेन अकाउंट बैंक में खोलना तो लगेगा, कुछ उधर से इंपोर्ट करना है तो लगेगा, है ना, आपको उधर कुछ गिफ्ट देना है। आप बताओ,
किधर कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, तो अलग अलग चीजों, अरे ये कोई बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। अब मैं बहुत बार इंडिया के बाहर घूमने गया तो मुझे फॉरेन एक्सचेंज लगा, मुझे मुझे उधर से इंपोर्ट करना है, ये बहुत जनरिक क्वेश्चन है। आपको दुबई में फ्लैट लेना है, अब शाहरुख का फ्लैट भी मैंने आपको दिखाया था, तो क्या हुआ है? आपको पैसे लगता है उधर से लाने के लिए? आप बताओ, कोई जानता है मैं किसकी बात कर रहा हूं? इंपैक्ट ऑफ चेंज, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, क्या बोल रहा है ये? एक डॉलर इज इक्वल टू पहले 70 था, एक डॉलर इज इक्वल टू 50 हो, क्या बोलेंगे इसको? एक डॉलर इज इक्वल टू पहले 70 था, अब एक डॉलर इज इक्वल टू 90 हुआ, क्या कहेंगे इसको? डेप्रिसिएशन। तो भाई और बहनों, आपके लिए मेरा एक सवाल है, इंपैक्ट ये तो खत्म हो गए, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एवरीबॉडी गॉट इट, पर इसको बहुत डिटेल में आईसीआई ने पढ़ा है कि व्हाट इज द इंपैक्ट जब रुपी का वैल्यू घट जाता है, तो बहुत कुछ होता है। तो हम लोग एक चीज करते, दूसरा अपने आप समझ जाएगा, ठीक है ना? तो देखो इसमें क्वेश्चन ना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ये मत करना, ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नहीं। अब हमें दो ही क्वेश्चन करना है, कौन से? इंपैक्ट और ये नॉमिनल वर्सेस रियल, ये अपन करेंगे दो मिनट में। पहले आप बता दो मुझे, आपके हिसाब से अनुमान लगाइए, रट्टा मत मारिए, चार पांच पॉइंट बताना। एक डॉलर इक्वल टू पहले 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 50 था, अब हो गया वो 70, अब ये हो गया एक्चुअल में, वैसे बढ़ाओ देखता पर एक्चुअली डेप्रिसिएशन है। तो आप मुझे बताओ क्या होगा देश के इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, टैक्स का, जीडीपी का, देश के अंदर क्या होगा डिमांड का? तो मैं काम करता हूं, कुछ चीजें लिखता हूं, फिर आप बताओ उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। अब देश के अंदर की चीजों का डिमांड क्या होगा, हम कितना करेंगे इंपोर्ट, क्या होगा एक्सपोर्ट, क्या होगा टैक्सेस का, क्या होगा नेशनल इनकम का, क्या होगा जीडीपी का, क्या होगा दोस्तों एम्प्लॉयमेंट का, क्या होगा देश में प्रोडक्शन का, दोस्तों कंपटीशन कैसे होगी, अब एक्सेट्रा। अभी शुरुआत करते हैं, और दो चार पॉइंट मिल जाएंगे। आप मुझे बताओ जब देश में पहले उनको एक डॉलर में, अच्छा मान लो हमारा रेट था एक, हम लोग मान लो इंडिया का रेट था, ये जो चीज है एक डॉलर की थी, नहीं मान लो एग्जांपल 50 रुपए की थी, 50 रुपए की थी, तो पहले वो एक डॉलर लाता था, अब उसको एक डॉलर नहीं लाना पड़ेगा उसको, नहीं नहीं 70 रुपए का हो गया ना, तो उसको अभी 0.75 डॉलर लाना पड़ेगा। अरे इंडिया का बोल रहा है ये 50 रुपए का जूस है, अब पहले वो एक डॉलर में 50 था, अब तो उसको एक डॉलर नहीं, एक डॉलर का 70 रुपए में आएगा, तो एक डॉलर लाएंगे आरबीआई का 70 रुपए, सिर्फ 50 देंगे 20 रुपए वापस रखेंगे अपने पास, यानी उसको जूस पहले से सस्ता लगेगा, यानी कि इंडिया की चीजों का डिमांड। हाँ अब आए देखो लाइन पे, अब डिमांड बढ़ा तो लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, देश का जीडीपी और बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंडिया में इतना डिमांड होगा तो कंपटीशन और बढ़ेगा, क्लियर है? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अब सोचने की बात है, हमारा जो एक्सपोर्ट है, हमारा जो इंपोर्ट है, पहले देश में इंडिया में टीवी जो थी, टीवी हम लोग फॉरेन से मंगाते थे $100 में, कितने में? तो कितने देना पड़ते थे? 5,000 रुपए। आप वो बोल रहे मेरा $100 ही है, आप बोलेंगे यार ओके $100 है क्या, ठीक है, तो अपने को तो इंडिया में $100 7,000 देना पड़ेंगे, तो पहले मुझे फील होता था $100 देना, तो मुझे $5,000 देना पड़ेगा तब $100, अब मुझे $7,000 देने के बाद $100 मिलेंगे, यानी कि फॉरेन की टीवी पहले 5 में मिल रही थी, यानी कि मैं अपना इंपोर्ट घटाऊंगा, यानी कि अपना इंडिया का इंपोर्ट कमा, हमने इंडिया के अंदर कंपटीशन बढ़ाएंगे, बिकॉज हम लोग इंडिया से ही खरीदेंगे, हम इंडिया के ही लोगों से खरीदेंगे, तो इंडिया का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारी हमारा जो लीकेज है, क्यों हम बाहर से हम लोग इंडिया से लेंगे, बल्कि हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, हमारा इंपोर्ट कम होगा। आप बताओ एक्सपोर्ट का तो हमारा नेशनल इनकम और टैक्सेस भी देश के, क्यों इतना प्रोडक्शन करोगे तो एक्साइज ड्यूटी मिलेगा। तो देखो भाई कैसा ना, हर चीज याद करने के नहीं होते, आपको कंसेप्ट पता होगा ना उसकी नीचे, आप ये ऐसा याद मत करो ऐसा हो तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा,
एक चीज आपको एग्जाम्पल लेके, अब इसका ही कर दूंगा, अगर $1 मैं इसको 70 लिख दूंगा, आप हो गया वो 50, तो आपको ये सारी चीजें जो एरो ऊपर थे वो नीचे हो जाएंगे। तो ऐसी ही चीजें याद नको करो, दिमाग लगाओ, अपनी अकल लड़ाओ, जबरदस्ती फुकट नहीं गया वो 3 मार्क के क्वेश्चन, रटो मत उसको। ये पता है देखो, ऐसे भी 2-3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, ये इतने पॉइंट्स में तो 3 में से 5 दे देंगे आप, क्योंकि एक्चुअली दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग। आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स का ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटी क्या है, 2 मार्क 3 मार्क 2 मार्क, उनको ज्यादा नहीं चाहिए, कंसेप्ट ओरिएंटेड बात करना। ये कुछ ये ऐसे उनको भर भर के 6-6 मार्क के लिए, उनको 2-3, 1-2-3 उनका उनका कॉन्सेप्ट ही है, मतलब दे आर फोकसिंग मोर ऑन कॉन्सेप्ट, नॉट ऑन थ्योरी, नॉट ऑन, वो समझ जाएंगे इतना आ रहा, मतलब 2-4 मॉडल अगर मान लो हो सकता है मॉड्यूल में और 2 पॉइंट लिखे होंगे इसके अलावा, वो समझ जाएंगे बंदे को कॉन्सेप्ट पता है। अब 1-2 पॉइंट क्योंकि वो क्वेश्चन भी 3 मार्क के लिए हम लोग लिखेंगे भी कितना, क्लियर है क्या? मैं ये अब ये लिख के बताओ कि ये समझ जाओगे, हाँ, तो अभी ज्यादा उसमें अंदर में चाहिए। ये एप्रिशन पर ये समझ गया ना, एप्रिशन किसको बोलते हैं, एप्रिशन मतलब $1.70 का था, अब $1.90 का हो गया, 90 का, तो क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। $1.70 का था, अब हो गया 50 का, अब आप रुपीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। ओके, ये नॉमिनल वर्सेस रियल का है रे, क्या होता है आप नॉमिनल और रियल में फर्क है, अपन जो देखते हैं ना नॉमिनल, ऐसे नहीं करते उसको नॉमिनल वर्सेस रियल, इसको ऑलरेडी हमने बताया बहुत बार। अब देख, तो पहले कंट्री ए थी, एक कंट्री बी थी, इन्होंने बोला था हम आपको एक मोबाइल देंगे, ये बोला बदले में हम आपको 10 किलो गेहूं देंगे। अब तब क्या था ना, इसकी कॉस्ट थी 700 रुपए की, और तब इनकी भी कॉस्ट थी 70 रुपए किलो, 700 रुपए, ये 2012 की बात है। आप एक मोबाइल देना 700 का, हम 10 किलो गेहूं देंगे, तब दोनों के रेट सेम थे, 700 रुपए का गेहूं, 700 का मोबाइल। वो बोला परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट कर ले गया, मैं आपको हर साल एक मोबाइल भेजूंगा, हर साल तुम 10 किलो गेहूं भेजना। ये दोस्तों आपसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, हो सकता है। बोले क्यों प्रॉब्लम सर? बोले 2012 में $1 = 70 था, 2022 में भी, तो बोले तो फिर क्या प्रॉब्लम है, दे दो हमको। वो क्या बोल रहे हैं, तो ये बात तो सेम है, तुमने 2012 में एक मोबाइल लिया था और हमने तुमसे क्या लिया था, 10 किलो गेहूं लेते, तो यूएसए के लोग क्या बोल रहे हैं, आज भी तुम 10 किलो गेहूं भेजिए, हम आपको क्या भेजेंगे, ये 10 किलो गेहूं के बदले मैं आपको क्या करता हूं, 10 किलो घी लिखता हूं, ओके, घी लिखता हूं, या फिर मैं उसको क्या लिखता हूं, क्या बना सकते हैं हम इंडिया में, नहीं बनाते क्या, क्या बना हम लोग, क्या बना सकते हैं इंडिया में, हम कुछ भी बना सकते हैं, हम घी बनाएंगे, बर्गर हो सकता, बर्गर दे रहे होंगे, 10 किलो, 10 किलो गई दही, ये 10 किलो दही। बोले एक मोबाइल भेजेंगे, 2012 में सौदा अच्छा लगता था, 2012 में सौदा अच्छा था, क्योंकि तब 10 किलो दही जो है 700 में आता था, और मोबाइल तब मोबाइल लेते और दही भेजते थे। अब क्या हुआ 10 सालों के बाद, वो बोल रहे यार तब भी तो $1.70 का था, अब भी $1.70 का है, तो तुम अभी क्यों नहीं दे रहे? बोले नहीं पड़ता, क्योंकि अब क्या हुआ है, आपका हो सकता है आपके कंट्री का इन्फ्लेशन 0 होगा, तो आप हमको क्या दे रहे, अरे आप हमको क्या दे रहे, मोबाइल दे रहे। बोले हमारे कंट्री का इन्फ्लेशन कुछ भी नहीं, तो बोले 700 की चीज आज भी दे रहे, बिकॉज आपका मोबाइल तब भी 700 का था, पर आप नहीं जानते दोस्तों हमारे देश में दूध का रेट इतना बड़ा है, आपको पता है दूध का रेट बड़ा है? मुझे याद है जब मैं पहली बार समझो जब समझता था, तो 10-12 रुपए किलो, 10-12 रुपए लीटर अपना दूध हुआ करता था, अभी पता है क्या 50-60 रुपए, अगर अच्छा लेंगे तो 50, तो आप मान के चले 50 है, 60 है अगर मान लो आपको उसमें बिल्कुल पानी का मिलावट नहीं है, वो जो नहीं कि एकदम ऐसे फार्मर लोग लाके देंगे, तो 60-70 बोलते हैं इसमें पानी नहीं डाला हमने, और बैग का लोगे तो फिर तो अशुद्ध है, पर वो भी 50 का बिकता है। पर दोस्तों अब वो बोल रहा है मेरी दही जो है इंडिया में दूध जो है 12 का 50 हो गया, यानी कि मैं अगर आपको 10 किलो दे दूंगा, बोलो रे, तो ये पहले 70 रुपए किलो का था, अब 5 गुना रेट बढ़ गए,
अबे 350 हो गए, यानी कि इसके रेट दही के कितने हो गए रे? पहले 700 का 10 किलो दही अभी कितने में हो गया? 5 गुना रेट बढ़ गया ना। अरे भाई जितने 5 गुना अगर दूध बढ़ा तो बोल रहा है तुझे मुझे येड़ा समझा गया? तू मुझे 700 का मोबाइल दे रहा और मैं तुझे क्या दे रहा? और तू मुझे ये दिखा रहा है कि नॉमिनल रेट सेम है? नॉमिनल रेट गया तेल लगा रहा। जब भी दो देश आपस में बार्टर करेंगे वो रियल रेट पे करेंगे। वो बोल रहा है ये चीज है ना, तो एक काम कर, तू ये 700 की जो चीज दे रहा है ना ये 5 मोबाइल दे, क्योंकि मेरा इन्फ्लेशन तुझसे 5 गुना ज्यादा बढ़ा है। तेरा इन्फ्लेशन 0 पे, मेरा 5 टाइम्स बढ़ा है। यानी कि तू मुझे काम कर। हाँ क्या काम कर? 5 मोबाइल देना। यानी कि आपने जब दो देशों में देखो क्या बोलते हैं, ऑल दो द नॉमिनल रेट्स आर सेम बट द रियल रेट्स कैन बी चेंज बिकॉज ऑफ द व्हाट? इन्फ्लेशन। बिकॉज हो सकता है ना इन्फ्लेशन रेट ऑफ कंट्री ए एंड इन्फ्लेशन कंट्री बी इज नॉट रिकॉर्ड, इसीलिए इंस्पाइट ऑफ हैविंग द सेम नॉमिनल रेट यू मे गेट व्हाट? डिफरेंट रियल रेट्स। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यानी कि बच्चों क्या होगा, कभी भी सौदा करने अगर आपको फायदे में रहना है नॉमिनल रेट पे नहीं आएगा, बिकॉज दो देश का इन्फ्लेशन रेट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इज ओवर गाइस। सो दोस्तों ये पूरा के पूरा चैप्टर हमारा जो है ये भी पूरा खत्म। क्या कौन सा था ये चैप्टर? यूनिट नंबर 4। क्या था इस चैप्टर में? वैसे कुछ नहीं था, एक्सचेंज रेट पूछा है, उसमें भी कुछ नहीं पूछा। एक फिक्स रेट रहता, एक फिक्स रेट मतलब अभी इंडिया में फिक्स रेट नहीं, अभी क्या चल रहा है इंडिया में? फ्लोटिंग रेट। फिक्स रेट का मतलब क्या होता है? पहले से दो गवर्नमेंट डिसाइड करती है इसका रेट क्या होगा, कहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज्यादा होता है फिक्स्ड में, कहां पे डिमांड सप्लाई पे चलता है। हाँ, आपको फॉरेन एक्सचेंज क्यों लगते हैं? फ्लैट के लिए, फॉरेन अकाउंट खोलने के लिए, गिफ्ट के लिए, कैपिटल के, किसी भी लिए। नॉमिनल से रियल अभी देखा, क्या ऐसा हो सकता है नॉमिनल रेट दो कंट्री के सेम है पर रियल रेट चेंज हो गए होंगे? बिकॉज ऑफ बेस्ट है इंपैक्ट ऑफ चेंज एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। आप बताएंगे अगर 50 रुपए का डॉलर 70 में हो गया, यानी हम डेप्रिसिएशन में होंगे, तो आप बताएंगे अगर ऐसा हुआ है तो हमारा डिमांड क्या होगा? क्योंकि हमारे देश की चीजें लोगों को जो पहले एक डॉलर में आ रही थी वह $0.75 में आएगी, तो लोग इंडिया का डिमांड करेंगे, तो अपना डिमांड, तो अपना एक्सपोर्ट बढ़ेगा है ना, तो अपना प्रोडक्शन बहुत बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। अब $100 में बाहर की टीवी मिल रही थी तो पहले 5,000 में मिल रही थी, अब साथ में हम इंपोर्ट कम करेंगे, नेशनल इनकम बढ़ेगा, लीकेज कम होगा, देश की डिमांड बढ़ेगी, लोग देश में से टीवी खरीदेंगे, और उसका उल्टा ही आप जानते हैं। इसी के साथ में ये चैप्टर आप जानते हैं, एक बार रिवाइज नहीं कर रहे। देखो दोस्तों मैं 10 मिनट चैप्टर लेके आपका जो था ना कल भी इस बैच को कल भी खत्म कर देता, पर मेरा दिल है कि मानता नहीं मैं एक बार आपको, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं नहीं करता ना आप भी लोग रिवाइज नहीं करते, ये आप इतने आपके अंदर पेशेंस नहीं कि आप अकेले में बैठ के करते, और मुझे मालूम है करते भी ना तो 1.5-2 दिन लगाते इसको आराम से होले होले पढ़ते फिर थोड़ा ब्रेक लेते। इसमें होता क्या है, ये चीजें जब हम लोग हाथ में बैठ रहे ये इतना ज्यादा आउटकम आता है, आप अकेले में करोगे ना इसी चीज को 7-8 घंटे लगाओगे, क्योंकि आदमी भी करेंगे, क्योंकि वो अच्छा मुझे सब पता होता है ना, आपको तो रिसीव करना है, अगर अकेले बैठ कर कहीं पे आप अटक गए तो थोड़ा टाइम चल जाता है, देखना पड़ता है। इसलिए इस लेक्चर को आप देखिए, हमेशा के लिए आपका टाइम सेव हो गया, परपेचुअल टाइम सेविंग। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू रिवाइज, उसको ज्यादा क्यों बुद्धि लगाने का, किसी ने ऑलरेडी बोला है तो उसको ही वहां से फटाफट करो आप। ओके और सेम चीज अपन ने SMA भी करी है, आप जल्दी से स्टार्ट को देखिए, मुझे एक फोन कॉल करना है, बस जल्दी से देखिए। आप जल्दी से इस चार्ट को देखिए, लास्ट के 10 मिनट्स में हम लोग ये पूरा रिवीजन खत्म करें, जल्दी से फटाफट।
गाइस वेलकम बैक। तो दोस्तों हमारे पास में ये चैप्टर बहुत ही आसान सा है चैप्टर, ये जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल। दोस्तों बाहर से इंडिया के बाहर से इंडिया में पैसा आता कैसे, एड यानी कि लोग अभी मदद करते हैं, एड यानी अब देखो बहुत सारे यूक्रेन को मदद कर रहे हैं सब लोग पूरे वर्ल्ड के। बोरोइंग यानी इंडिया में बहुत सारे हम लोग वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते, हमारे इंडिया के लोग भी बाहर से पैसा लेते। सवाल उठ रहा है कि बाहर से पैसा कैसे आता, एक तो एड से आ सकता है मदद के द्वारा, या बोरोइंग करके आ सकता है, या फिर दोस्तों सबसे बड़ी NRI हमारे देश के जो लोग बाहर पढ़ने गए सीखने गए वो अपने मॉम डैड को पैसे भेज सकते हैं, और लास्ट में FPI FDI के द्वारा पैसा। अब FPI और FDI को बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है, अगर मान लो किसी बाहर की कंट्री ने, सॉफ्ट बैंक ने, या फिर मान लो ग्लोबल टाइगर ग्लोबल ने, या फिर सिकोया ने, या ब्लैकस्टोन, ऐसी कंपनी जो है उनको इंडिया से कुछ लेना, उनको धंधे के मैनेजमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, वो आके धंधा नहीं करते, वो सिर्फ इंडिया में फाइनेंशियल असेट यानी स्टॉक और बॉन्ड्स के द्वारा पैसे लगाते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो इंडिया में आके बाकायदा अपना बिजनेस करते, एग्जाम्पल स्टारबक्स, एग्जाम्पल डोमिनोज, मर्सिडीज, BMW और IKEA, ये सारे लोगों ने FPI नहीं की, ये FDI है, यानी ये लोग आते हैं अपना ब्रांड को एक्सपांड करते, यानी कि दोनों के मोटिव फर्क है, एक तो पैसे कमाने के लिए आता है, दैट इज योर FPI, वो पैसे लेकर आता है, वो लेकर रहता है फाइनेंशियल असेट, और जैसे स्टारबक्स जैसे लोग, IKEA जैसे लोग जो है, या ये सब लोग इंडिया में आते हैं ये धंधा लेकर आते हैं, उनकी ब्रांचेस को बढ़ाने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी लाते हैं, अपने HR रिसोर्स लाते हैं, इनका मोटिव होता है बिजनेस को बढ़ाना, FPI का मोटिव होता है पैसों को बढ़ाना। कौन एग्जिट जल्दी कर लेता है? FPI। कौन एग्जिट नहीं करता जल्दी? दोस्तों कौन सा भारत देश को स्टेबिलिटी दिलाता है, और कौन कभी भी जा सकता है? उनका काम ही होता है पैसे कमाओ निकल जाओ। अब बहुत सारे लोगों ने नायका में पैसे लगाए थे, अब नायका गए तेल लगाने, उनको पैसा मिला, एग्जिट ले लिया उन्होंने। तो ये FPI, तो FPI और FDI जो कॉन्सेप्ट है, आप मुझे बताएं कि कहां पे आपको सिर्फ पैसा फाइनेंशियल असेट मिलता, आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, टेक्नोलॉजी लगती है, कौन से लोग मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं? FDI, कौन से लोग मैनेजमेंट से मतलब नहीं, FPI। आपसे प्रश्न है मेरा, मोड्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये लिखा है, ये छोड़ दो, मोड्स का कुछ नहीं, मोड्स में आपने को नया मोड्स का कुछ आंसर दिखा हुआ, राइट? याद है आपको क्या बोला था मोड्स के बारे में? वो चार, तीन चार तरीके थे ना उसके, चार चार तरीके थे, चार, दोस्तों मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। देखो बच्चों ये है आपके सामने, हाँ देखो, एक क्वेश्चन हमने देखा कि कौन से तरीके से फंड्स आते हैं, एक दोनों का डिफरेंस भी देख लिया, ये बायजूस में, ओला में, ओयो में जो पैसा लाए हैं ये FPI है। अब सवाल उठ रहा है कि FDI जो है, FDI करने के मोड्स कौन से? एक है लोग कुछ मारुति सुजुकी जैसे लोग, यानी सुजुकी इंडिया में मर्जर के द्वारा, कुछ लोग इंडिया में JV करके आते हैं, यानी कि टाटा के साथ स्टारबक्स है, कुछ लोग बोलते हैं हमें किसी टाइप नहीं करना, हम अपनी दुनिया खुद बसाएंगे, इंडिया में किसी जरूरत नहीं, अमेजोन, ग्रीनफील्ड, वॉलमार्ट जैसे लोग, इंडिया के अंदर फ्लिपकार्ट के अंदर एक अपना स्टेक कंट्रोल, अपना एक स्टेक कंट्रोल करते हैं इक्विटी के माध्यम से, 76% इक्विटी लिया, पेप्सी को इंडिया सब्सिडी के फॉर्मेशन, यानी कि बाहर के लोग इंडिया में पांच अलग तरीकों से आते, मर्जर करके, JV करके, यानी कि स्टारबक्स जैसे आ जाते हैं, या कंट्रोल इक्विटी लेके, कंट्रोल लेके, क्या किसकी बात कर रहे हैं, कंट्रोल इक्विटी यानी इक्विटी की बात कर रहे हैं हमें, और कुछ लोग हैं जो ग्रीनफील्ड यानी कि अमेजोन जैसे आते हैं, अलग तरीके से आते हैं। आपसे अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या है, क्या ऐसी क्या है प्रॉब्लम्स, किसकी प्रॉब्लम्स? ये FDI जब आता है ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी लेकर आता है, और FDI की एडवांटेज, पहले तो एडवांटेज देख लेते हैं, भारत देश में जब FDI आता है, सोचने की बात है, FDI आएगा, बहुत सारे लोग स्टारबक्स जैसे, मर्सिडीज, BMW से लेके एप्पल जैसे लोग FDI करते हैं, इंडिया में आते अपना धंधा चालू करते हैं, इसके से क्या होता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हम लोग इंडिया के लोग एक्सपोर्ट करेंगे ज्यादा, इम्पोर्ट करेंगे कम, और जितना लोग इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ाएंगे अपना GDP बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, गवर्नमेंट के टैक्सेस भी तो बढ़ेंगे, हमारा इंपोर्ट भी हो जाए कम, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी तो बढ़ेगा, और दोस्तों हमारे जो अच्छे रोजगार है उनको अच्छे वेजेस मिलेंगे, यानी कि जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको ज्यादा सैलरी मिलेंगी, देश में कॉम्पिटिशन, क्योंकि टाटा भी यहीं बन रही है, और दोस्तों बाहर के लोग हुंडई भी यहीं बना रहे,
तो कंपटीशन बढ़ेगा, कस्टमर का फायदा बहुत होगा, क्वालिटी का विकास होगा, ये हो ये। और बहुत सारे एंसिलरी कंपनीज को, जब भी मान लो हुंडई आता 10 कंपनी आगे बढ़ती है, तो ये सब अच्छा होगा। पर अगर डिसएडवांटेज की बात करते तो बहुत ही बुराई की बात है, साला ये लोग अच्छे अच्छे काम उनकी कंट्री में करते हैं, चिंदी काम इंडिया में करेंगे। दूसरी इतना नहीं, वो लोग क्या करते हैं इंडिया में लेबर वर्क काम करते हैं, कैपिटल वाले काम करते हैं, यानी कि हमारे लेबर को कोई फायदा, वो उन्हीं स्टेट में ज्यादा काम करते हैं जो डेवलप्ड है। अनडेवलप्ड जो मान लो जो थोड़े थोड़े स्टेट जहाँ पे डेवलपमेंट जाते वहां पे आते नहीं, ये लोग इंडिया में आके हेल्थ के बारे में कुछ नहीं सोचते है, पॉल्यूशन के बारे में सोचते नहीं है, और बहुत सारा पैसा रिपेट्रिएट करके अपने देश में लेके जाते हैं। और दोस्तों हमारे लोग जो है इनके आने की वजह से बहुत सारे हमारा जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, लोगों को क्राउडेड आउट फील होगा। तो यार ये लोग जब आते हैं ना इंडिया में, ये स्किल्ड काम उनके देश में रखते हैं, फालतू वाला काम हमको देंगे, ये अपने देश से पैसा उधर ले जाएंगे अपने देश में। दोस्तों ये आने के गवर्नमेंट की नीति मतलब भी बोझ लो, गवर्नमेंट लगेंगे ये लोग आके ही विकास करेंगे, हमारी गवर्नमेंट स्लो हो जाएगी, हमारे देश का जो है हमारे देश के अंदर कॉम्पिटिशन बढ़ने लगेगा। अरे बोलो ना। और दोस्तों ये लोग जितने आएंगे हमारा जो है, ये सब बोल दिया पोल्यूशन सेफ्टी आई थिंक पूरा के पूरा मैंने बोल दिया एवरीथिंग जोर है, इसी के साथ में चैप्टर खत्म हो गया दोस्त, राइट ये चार्ट आपके सामने दिख रहा होगा। बेसिकली ये चैप्टर जो है एफडीआई एफपीआई का डिफरेंस बताता है, और आपको ये बाहर से पैसे कैसे आते वो दिखाता है, और एफडीआई का क्या है एडवांटेजेस प्रॉब्लम्स मोड्स, हो गया खत्म। अभी इसके बाद में एक ही चैप्टर बजा है, कौन सा चैप्टर, अभी क्या करते हैं मित्रों, इसके बाद में हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी पढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी ये जो है इसका जो रिकॉर्डेड मोड मैं आपको देता हूँ, क्योंकि मुझे आपको कुछ बातें करना है, हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है ना। ये मैं आपको इस पर देता हूँ, 15-20 मिनट का ही होगा, पर अभी मैं ये पढ़ा तो फिर वो बाकी सब रह जाएगा, ठीक है ना। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द रिविजन एंड यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, मतलब ये इकोनॉमिक्स में टोक देंगे जितना आपने ये पढ़ा है। चैप्टर नंबर 3 को जो भी इज्जत से पढ़ लेना, उसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं था, वो एक दो बैच पुराना है, बट देयर इज नो अमेंडमेंट, वो वैसे ही है मस्त, हमने जैसा ऐसा पढ़ा है वैसे पढ़ा है उसमें। आपको दो काम करना है, चैप्टर 3 को पढ़ना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इतना ही आपका काम है, बाकी तो और न्यूमेरिकल्स आप मॉडल से सॉल्व करते और भी बेहतर है, वैसे मैं तो सॉल्व करवाऊंगा ही, पर आप भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। आई होप आपको सबको मजा आ गया, इकोनॉमिक्स फीलिंग कॉन्फिडेंट, और वैसे ही आपने एफएम रॉक्स से करना, तो वो एफएम में तो आपने अच्छे से पढ़ाई है, और एफएम रॉक्स का भी पूरा के पूरा रिवीजन मैंने आपको बताया था, कहाँ पे बता दूं, लिंक शेयर कर देते हैं आपको और आपको बता भी देते हैं। कल भी मैंने आपको बोला था 11 घंटे के अंदर या 9 घंटे के अंदर हमने ये लेक्चर्स देखा करिएगा, दोस्तों ये जो लेक्चर है सी ए इंटरमीडिएट एफ एम इको रिविजन, ये देखो ये 1 नवंबर 2021 को डाला था 4-5 महीने पहले, ये लेक्चर्स को आप देख लेना, इसके अंदर ही पूरा आप देख सकते हैं 9 घंटे के अंदर आपका इकोनॉमिक्स 3 घंटे है और पिछले 6 घंटे पूरा एफ एम है, ठीक है ना। तो आपको पूरा एफ एम इको अच्छे से रिवाइज होता है, और आपको पता है क्या किया है एफ एम के अंदर, एफ एम रॉक जो दिया है उसके हर क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, यानी कि आप समझिए पूरा के पूरा एफएम ही सॉल्व है, क्योंकि हमने एफएम रॉक्स में तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए, और सिर्फ मैंने वैसे क्वेश्चन नहीं कवर किए थे, मैंने क्या किया था मालूम है, मैंने पहले उस चार्ट को रिवाइज किया, वो आता है ना चार्ट्स फॉर्मूला, और फिर बाद में सॉल्व किए। तो आप ये काम यहाँ से जरूर आप करेंगे, एक दो बार करेंगे आपका पूरा अच्छे से रिवाइज हो, और फिर बाद में आप मेन पूरा बुक कर सकते हो अच्छे से, तो इसको आपको करना है, ठीक है ना। तो आप लिखो, चलो चालू करो,
इकोनॉमिक स्टॉक्स, एफएम स्टॉक्स कौन सा है जहां पे आपको ऐसा पेज ढूंढो जो आपको बार बार दिखेगा, कहीं आप खोएंगे नहीं उसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी डन आफ्टर क्लास। नंबर वन, सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स, सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स थ्रू मॉड्यूल, थ्रू ICI मॉड्यूल। जब भी मैं न्यूमेरिकल्स दूंगा आपको बता दूंगा, वो YouTube पे चलेगा तो आप देख लेना उसको, ठीक है ना। पर मैं आपको फिर भी बोल रहा हूं, यदि मान लो 99% तो लूंगा, 1% नहीं लेता, तो आपको करना जरूरी है। क्या करना है? सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम ICI मॉड्यूल्स, उसमें दिए हैं उन्होंने, काफी कुछ ऐड किया हुआ है, वो आपको देखना है। दूसरी बात, रिवाइज FM इको थ्रू मैराथन लेक्चर अपलोडेड इन नवंबर 21, ड्यूरेशन 9 आवर्स। लेक्चर अपलोडेड ऑन यूट्यूब इन नवंबर 21, 9 आवर्स के लिए। लिखो तीसरी बात, अब वो करना क्या है? चैप्टर थ्री भूलना मत, करना ही है, ठीक है ना। वो तो आपने कर लिया होगा, तो चैप्टर थ्री, ठीक है ना। ये तो हो गया, ये सारी चीजें आपको करना है। अब लिखो हाउ टू प्रिपेयर आफ्टर क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हाउ टू प्रिपेयर आफ्टर क्लास, हाउ टू प्रिपेयर आफ्टर क्लास टिल एग्जामिनेशन। कैसे करेंगे रिवाइज, पहले कैसे करेंगे? लिखो, सबसे पहले क्या करेंगे? वॉच यूट्यूब मैराथन, नंबर वन लिखो, वॉच यूट्यूब मैराथन, सुनो। माइक चेक। दोस्तों अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? हाउ टू प्रिपेयर, नंबर वन तो आपने यूट्यूब लिख लिया, लिखो। नंबर टू, सॉल्व FM रॉक्स पहले कर लेना, पहले मेन बुक पे मत जाना, ये पहले यहां से अपने आपको पूरे एक लेवल पे लेके आ जाना। नंबर नेक्स्ट देखो, दिस थिंग इको चार्ट्स, इको समरी चार्ट्स, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, जो लिखवाया था आपने, सॉल्व इको चार्ट्स और अगर इको चार्ट्स पढ़ना ही है ना, लिखो। वी कैन ऑल्सो यूज, बाजू में लिखो, वी कैन ऑल्सो यूज
टुडेज, आज का मतलब टुडेज रिविजन लेक्चर, तो वो यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं कल, ये आज जो हो कल तक आ जाएगा। टुडेज रिविजन लेक्चर फॉर इकोनॉमिक रिविजन, हाँ, ताकि आपका चार्ट का रिविजन हो जाए। आपको मैं एक बात पूछूं, ये जो चीजें बहुत इजीली होती है ना, उसको डिफिकल्ट मत करो। रॉक से रिवीजन, इससे पहले अपना पूरा 80% तक आप पहुंच जाते हो, फिर आप 20% जो चीजें YCA के क्वेश्चंस, अपने मॉडल के इतने सारे क्वेश्चन, तो हमारा दर्जा पहले 72% तक तो यहाँ से आ जाएगा ना, रिवीजन लेक्चर से रॉक से 0 से 80 तक तो यहाँ से पहुंच जाएंगे, क्योंकि काफी कुछ कवर हो जाता है। उसके बाद में फिर अपने और एक्सेलेंस पे जाना है, तो फिर अपना मेन बुक है, लिखो नेक्स्ट नाउ सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ FM मॉड्यूल एंड न्यूमरिकल्स ऑफ इको। FM मॉड्यूल मतलब कौन सा, क्लास मॉड्यूल ना, मॉड्यूल का मतलब मैं क्लास मॉड्यूल बोल रहा हूँ। FM मॉड्यूल ब्रैकेट में तो क्लास, क्लास नहीं तो एग्जांपल आईसीए को डालू नहीं था। FM मॉड्यूल अपनी क्लास का, आईसीए का देखना भी मत, प्लस न्यूमरिकल्स ऑफ इकोनॉमिक्स आईसीए। आईसीए के मैंने आपको बोला ना, आईसीए का न्यूमरिकल्स ऑफ आईसीए इकोनॉमिक्स, यानी कि मेरा FM अपनी बुक से अलावा कुछ नहीं करना है, इकोनॉमिक्स भी अपने से करना है। इकोनॉमिक्स के न्यूमरिकल्स आप वहां से करोगे, वो भी मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ करवाऊंगा बाद में आप करोगे, पर अगर मान लो नहीं भी होता तो वहां से करना है, पर वो उसका फंडामेंटल हमने कर लिया, वहां से आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। ये तो हो जाएगा, अब लिखो सॉल्व आईसीए पेपर प्लस आरटीपी। अब इसके दो तरीके, हर चैप्टर के बाद में कर सकते हो या पूरा एक साथ कर सकते हो, आपको जैसा मन करे। इसका वो कैसे पत्थर की रखेल नहीं, मैंने बोला ऐसे, थोड़ा बहुत आप बदलाव कर सकते हैं। एट दी एंड लिखो, एट दी एंड, और इट कैन बी डन साइमल्टेनियसली ऑल्सो, और इट कैन बी डन साइमल्टेनियसली ऑल्सो। वहां पे लिखो, मेक श्योर, make sure charts of economics and charts of FM from FM rocks are revised multiple times. अब आपको जब टाइम मिला तब पढ़ लिया करो, जब टाइम मिला तब पढ़ लिया करो, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। छोटा छोटा सा है ना, अभी आज के चार्ट पढ़ने कितना टाइम लगता है। आज रिवाइज what? कौन सा charts of economics and charts of FM revised what? Multiple times. बहुत बार टाइम्स आपने उसको रिवाइज किया होगा। लिखो मिनिमम नंबर ऑफ रिविजन टिल एग्जामिनेशन। अब जिसका दो सेकंड ग्रुप ही बाकी है, वो दोनों ग्रुप बाकी है तो उसको क्या, वो मुझे क्या पता क्या करेगा। अभी अगर जिसका फिर हो सकता है, जो अभी कुछ लोगों ने पेन ड्राइव लिया होगा उनका अटेम्प्ट नवंबर होगा, और दोनों ग्रुप है तो उनको टाइम मिलता है। तो ऐसे लिखो 8 to 10 टाइम्स, 8 से 10 बार आराम से होगा ना, दो बार तो यूट्यूब से ही हो जाएगा आपका 10-10 घंटे में। अब लिखो, ये तो हो गया आपको पढ़ना है, अब लिखो हाउ टू प्रिपेयर वन डे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिपेयर वन डे बिफोर एग्जामिनेशन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, कैसा करेंगे। लिखो नंबर वन, ऑन द डे ऑफ EIS पेपर, EIS का 7वां पेपर होगा, पेपर खत्म हो क्या करने का, वो सोना है वो देख लेना आप, पर लिखो रिवाइज थ्रू YouTube लेक्चर। अगर मेरा नया YouTube का मैराथन आया तो वो देख लेना, नहीं तो पुराना वाला भी उसमें कुछ चेंजेस नहीं तो वही देख सकते आप। कुछ बोलो ना, क्या बोला मैंने। अब ये हो गया उस दिन का दिन, नेक्स्ट डे डे टू लिखो, डे टू, डे टू यानी कौन सा है, अभी अगला दिन। हाँ, अगले दिन क्या करेंगे डे टू में, लिखो सिंस मॉर्निंग टिल नाइट, सिंस मॉर्निंग टिल नाइट, सोने के पहले क्या करेंगे, सॉल्व, सॉल्व मतलब वो रीड भी होता है
सॉल्व ऑब्लिक रीड, हर चीज सॉल्व करनी नहीं थी, पूरा सॉल्व करते बावला हो जाएगा आप लोग, एक दो चैप्टर ही होंगे बस। सॉल्व ऑब्लिक रीड ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड देयर कॉन्सेप्ट्स। सर क्या बोला आपने, मतलब समझा नहीं क्या है भाई। आपने एफएम का मॉड्यूल जो बनाया, सुन लो मेरी बात, बहुत भारी बोल रहा हूँ, आपने एफएम का मॉड्यूल बनाया, वो एफएम का जो मॉड्यूल है उसमें 20-25 क्वेश्चन है। अब क्या होता है ना, एग्जामिनेशन के पहले दिन दो टाइप के विद्यार्थी मिलेंगे, एक तो उस मॉड्यूल में उन्होंने लिख दिया होगा कि 20-25 में से 4-5 क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है, उन्होंने पहले से आइडेंटिफाई कर लिया होगा और हाईलाइट किए होंगे, तो आप उतना ही कर लेना, समझ आ रहा है, वहां से सॉल्व कर लेना। तो इसलिए बोला सॉल्व, क्या बोला मैंने, इंपॉर्टेंट। अब वो तुमने मार्क किया होना चाहिए, तो मेक श्योर अगर अगली बार आप जाओगे अब पढ़ाई करने मेन मॉड्यूल, तो उस समय पूरी मार्किंग कर लेना कि मुझे एग्जामिनेशन देने ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है, या फिर ये क्वेश्चन पूरा नहीं करना उसमें का ये एडजस्टमेंट ही पढ़ना है। क्लियर है, वो दिमाग में डाल दो। अब नहीं किया तो फिर एफएम रॉक्स जिंदाबाद है, क्योंकि उसमें मैंने पूरा पूरा मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन तो रॉक्स में डाले हुए हैं, पर क्या है कि मैं चाहता हूं कि वो मेरे हिसाब से सिलेक्टेड है। हो सकता है आपके लिए कोई सिंपल क्वेश्चन होगा वो भी आपको नहीं आ रहा होगा, मेरे लिए वो चुनिंदा है। हो सकता है आपके दो तीन, अब एक काम आपको एक और बता दो, ऑप्शन दे दो क्या, चलो क्या आखिरी दिन अपन एफएम रॉक्स ही करेंगे, पर क्या करना ध्यान से सुनना, आप जब पूरा एफएम का मॉड्यूल करोगे ना तो 25 आपको लगता है सर ने 5 लिए पर मेरे हिसाब से 2 भी आना चाहिए, ये बड़े आवले क्वेश्चन मुझे नहीं आते, तो आप क्या करो रॉक्स का साइज बढ़ा दो थोड़ा सा और एग्जामिनेशन के पहले दिन सिर्फ रॉक्स पढ़ो। वो मेरा रॉक्स ये मेरे परसेप्शन से बना हुआ है, पर आपके परसेप्शन से 2-3 क्वेश्चन अगर ऐड हो रहे होंगे वो ऐड कर दो, फिर वो सिर्फ रॉक्स पढ़ना कब के लिए। अब तो आपको क्या समझ में है, आपको एग्जामिनेशन के पहले दिन रॉक्स से पढ़ना है, पर वो आपकी मॉडिफाइड ऑल्टर्ड एफएम रॉक्स होना चाहिए, क्योंकि आप अगली बार जब एक बार तभी एफएम पूरा पढ़ोगे, तो जब आप पढ़ोगे ना आप देखें सर यार ये 7-8 क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, सर ने तो 5 ही लिए, वो 3 जो आपको लग रहे हैं ना वो भी डाल दो, ताकि क्या हो जाएगा ना फिर वो 25 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं एग्जामिनेशन के पहले, वो 8 ही आपको 25 का मजा देंगे, पर वो तैयारी आपकी 1-1.5 महीने में हो जाना चाहिए। एग्जामिनेशन के पहले दिन यू विल गो मैड, आपको समझेगा नहीं ये 25 में से कौन सा, उस दिन निर्णय मत लेना कि क्या करना है, ये प्री डिफाइंड प्लान होना चाहिए कि एग्जामिनेशन के पहले दिन मुझे कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अक्सर लोग फेल इसी हो जाते हैं, उनको समझता नहीं एग्जामिनेशन, फिर 4-5 ही चैप्टर करके जाएंगे, इकोनॉमिक्स भी छोड़ देंगे। ये प्लानिंग पहले से कर लीजिए, रॉक्स से पढ़ना नहीं ठीक है कोई बात नहीं, पर रॉक्स आपका भी योगदान होना चाहिए रॉक्स में कि भाई ये सर ने तो बोला है पर मेरे हिसाब से 2-3 क्वेश्चन जो सर को लगते थे इजी है पर मेरे लिए डिफिकल्ट है वो तो डाल दूंगा, ताकि वो आपके लिए थोड़ा सा एक्सटेंडेड रॉक्स बनेगा, वो आप फिर उस पर रिलाई कर सकते हो। ठीक है ना, ये क्लियर है। पर उसकी तैयारी अभी, अब जब आप एफएम पढ़ोगे ना अगली बार तो उस दिन पूरा वो मार्क कर देना, भाई ये जो है सर ने 5 लिए पर क्वेश्चन नंबर 16 नहीं था, मैं 16 करूंगा, 21 नहीं था 21 भी करूंगा, 24 नहीं था वो करो, तो लिख दो, फिर जो नंबर आपने 3 ऐड करे तो वो लिख दिए, फिर एग्जामिनेशन पहले दिन 5 क्वेश्चन रॉक से पढ़ेंगे, 3 क्वेश्चन आपके मेन बुक से पढ़ लेंगे, तो हो गया आपका चैप्टर। और एग्जामिनेशन के पहले दिन इतना वक्त नहीं होता कि आप एक सॉल्व करेंगे, इमोशनल मत हो जाना सॉल्व कर देते, आपको सिर्फ वो रिवाइज करना। हाँ इसका ऐसा ऐसा, अच्छा ऐसा होता, ओके फाइन, आप सिर्फ थोड़ा बहुत ऐसे वो चार्ट या क्या बोलते फॉर्मेट ड्रॉ कर सकते हो, बाकी आप बोलेंगे हर क्वेश्चन में एग्जामिनेशन के पहले दिन, ये मुमकिन नहीं होता। पर अगर सिर्फ रॉक्स ही करोगे आप, मेरा दिया हुआ है, आप थोड़ा रिस्क लेके चल रहे हो, पर अगर आपने खुद का मॉडिफाइड वर्जन डाल दिया तो आप रिस्क फ्री हो जाओगे। या फिर आपको कभी भी लगा ना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूरा नहीं, इसमें एक एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, उत्तर सिर्फ वो रॉक्स के 4 पन्ने हैं ना, नहीं तो वहां पे चिट्ठे घुसा दो उत्तर डाल दो, ताकि एग्जामिनेशन के पहले दिन वो रॉक्स इतनी ऐसी मजबूत बनना चाहिए कि बस मतलब उतना पढ़ो काम खत्म। तो यानी कि इंडिया के लोगों का एफएम भी नहीं होगा, आपका एफएम को उजू कराएगा, क्योंकि आपको तो सिर्फ उतना ही पढ़ना होगा ना, पर उसकी तैयारी एग्जामिनेशन के पहले दिन मत करना, बहुत फंस जाओगे बोल रहा हो, एग्जॉस्टेड रहोगे, 7 पेपर हो चुके हैं, आपको कुछ सुधरेगा नहीं, नींद आंखों में रहेगी, बहुत बहुत आउटपुट नहीं आ रहा बॉडी से, तो कब आएगा आउटपुट। इकोनॉमिक्स तो हमने वहां पे पहुंचा दिए, इकोनॉमिक्स तो नो ब्रेनर है ना, वो तो आपको ऐसा 2 घंटे में इकोनॉमिक्स हो गया मेरा, अरे सही बोल रहा हूँ ना मैं, पर इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम अलग है एफएम की, उसमें क्वेश्चंस बहुत है, पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, उसकी तैयारी आज ही कर लेना, आज मतलब जब भी आप एक जिस दिन आप मॉड्यूल खोल के बैठे ना, आपको लेवरेज में 22 प्रॉब्लम दिखे, मैंने 5-6 निकाले हुए, फिर आप सारे सॉल्व करोगे,
तो बोलना यार ये जो क्वेश्चन में का सर ने तो गौर नहीं किया पर इसका एक एडजस्टमेंट भी को याद आना चाहिए, हाँ इसका इसका ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा बस, ताकि वो परफेक्शन पे आ गया, देन फिर नोबडी कैन स्टॉप यू। ओके तो आप क्या कर रहे हैं, पहले आपने यूट्यूब से पढ़ लिया, दूसरे दिन क्या कर रहे हैं आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, ब्रैकेट में लिखो एक्सटेंडेड एफएम रॉक्स, इट कैन बी एक्सटेंडेड एफएम रॉक्स, एक्सटेंडेड का मतलब समझ गए होंगे आप, हाँ अब अपने हिसाब से कर देना, और जिसने कुछ ही नहीं करना है अभी तो वो एक्सटेंडेड भी नहीं करता, एफएम रॉक्स भी करे तो अभी क्या करेंगे, एफएम रॉक्स करके पास हो जा रहे बच्चे, पर हमें पास नहीं होना ना, हमें आप 70-80-90 चाहिए, तो फिर आप थोड़ा सा एक्सटेंडेड कर लेना मेहनत, ठीक है। अब ये हो गया डे टू, पर आपने एफएम रॉक्स प्लस लिख दो ना इकोरॉक्स, अरे एफएम रॉक्स तो इकोनॉमिक्स रॉक्स में तो पढ़ोगे ना आप, अभी 12 हो गए, 1 बज गए, खत्म हो गए दिन, खत्म, नेक्स्ट डे डे 3, अब लिखो डे 3 में क्या करोगे, क्वेश्चन बैंक, न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स ऑफ किसके, इको, न्यूमेरिकल ऑफ किसके, इको, और लिखो चार्ट्स ऑफ एफएम रॉक्स एंड इको, कौन से चार्ट, अभी जो इकोनॉमिक्स के चार्ट्स, और कौन सा वो एफएम की फॉर्मूला चार्ट होता है ना, हर इसके पहले दो दो पेज के होते हैं वो एक बार पूरा, प्लस आरटी पे, समझ आ रहा है, अब वो सवेरे 6 से लेके 1 बजे तक आपको जो जो तुमसे हो पड़े, देखो चार्ट्स में टाइम नहीं लगेगा, आरटीपी तो आपने पहले भी सॉल्व की तो उसमें हाईलाइट कर देना कि ये 2-3 क्वेश्चन थोड़े से, क्योंकि आरटीपी में क्या होता है ना 100 में से 80% क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इजी होते हैं, वो एक 10-20% होना वो पहले से आइडेंटिफाई करना, एग्जामिनेशन के प्रेजेंस से वो 20% ही करना, क्योंकि बाकी तो हमने भी कवर किया रहता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये करना है, पर वो फॉर्मूले जो है डे 3 पे जरूर कर लेना जो मैंने बोला, क्योंकि वो क्या है ना हर चैप्टर के फॉर्मूलेज है, तो इसलिए बोला ना फॉर्मूला, वो जो चार्ट्स में आते वैसे एफएम रॉक्स के जो हर पहले दो चैप्टर में फॉर्मूला आ ही जाते हैं ना, तो इसलिए बोला, पर वो फॉर्मूला दिमाग में रखना, और हो सके तो एक बार लिख लिख कर भी देख लेना डे 3 को। अब लिखो नेक्स्ट हाउ टू राइट पेपर, अब तो 2 बज गए ना, 2 बज गए अब पेपर चालू हो गए, अब क्या करेंगे पेपर चालू हुआ तो, अब इसको लाइन मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे लाइन मारो मत। अब इसमें क्या क्या सीन होता है, क्या लिखो ट्राई टू राइट लाइक एफएम रॉक्स, समझा, ट्राई टू राइट लाइक एफएम रॉक्स विथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन कॉमा वर्किंग नोट्स, क्या वर्किंग नोट्स, अरे क्या वर्किंग नोट्स, आप देखोगे एफएम रॉक्स में मेन आंसर अलग रहता है, नीचे वर्किंग नोट नंबर 1, 2, 3, 4 वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं, सिर्फ मेन आंसर के वर्किंग नोट को याद रख लेना, ठीक है ना, वर्किंग नोट्स, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन वर्किंग नोट्स लिखो, नंबर 2 सफिशिएंट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक्स अराउंड 1 hour 15 minutes, अक्सर लोग क्या करते हैं 2-2.5 घंटे तक एफएम ही पेलते बैठते, एक्चुअली एफएम लेंदी नहीं रहता, इकोनॉमिक्स लेंदी निकलता, क्योंकि एफएम में तो क्या न्यूमेरिकल से, इकोनॉमिक्स तो पूरा वो तेरी है ना, तो उसको 1.5 घंटे से 1.5 घंटा 1.5 घंटा दे तो भी अच्छा हो जाएगा, इकोनॉमिक्स तो आपको क्या 10-10 mark ke 6 questions होते हैं, सॉरी एफएम के 10-10, और इकोनॉमिक्स में तो क्या है कि आपको लिखना पड़ता है ना, और वो एक्चुअली इकोनॉमिक्स लेंदी पड़ता है बहुत, आपको लगता है मैं क्या क्या लिखूं, क्योंकि 2 mark के लिए पूछता है, अपने को आता बहुत है, समझता नहीं कट शॉर्ट कैसे करें, वो तो आपने पेपर में दिखा होगा। अच्छा वैसे आपको एफएमई को के मार्क्स बता दिया, आप ग्रुप पे डाले थे, डाल देना ग्रुप पे, क्या बोल, क्या बोल रहे पता है, तुम्हें कितना है, क्यों
पेपर गलत चेक हुआ सबका, ऐसा लिख रहे हैं। एक ही मैं पूछ लेता हूं उनको, क्या तुम्हें ऐसा लगा कि गलत हुआ है? सबको महसूस हो रहा है? मैं क्या करता हूं, उसकी थोड़े बजाता हूं और फिर उसको बोलता हूं कि तो रिवाइज मार्क्सशीट अपलोड कर दे। हाँ ना, उनको बोलूंगा ना भाई, कर भाई सुन ना, ये क्या बोल रहे स्टूडेंट्स की FM और इकोनॉमिक्स के जो मार्क्स जितने उनको एक्सपेक्टेड थे और जो एक्चुअल आए, बहुत डिफरेंस है, वरायंसेस बहुत ज़्यादा है। तो सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है, अगर एक को लगता तो ठीक था। तो क्या हुआ क्या है, मतलब एक बार पूरा रिविजिट करो इसको फटाफट और कल वापस रिवाइज मार्कशीट डालो, क्योंकि ये किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं है। आप खुद एक बार उसको चेक करो और बताओ मुझे। ओके डन, आ जाएगा कल तक, आ जाएगा रिवाइज्ड। इसको इग्नोर करो फिर। ओके नेक्स्ट, अपन कहाँ पे पहुँचे? ठीक है ना, अभी क्या है ना, पेपर लिखते समय याद रखना, लिखो लास्ट 10 मिनट्स फॉर रिव्यू। 2 घंटा 50 मिनट में सॉल्व करो, रिव्यू के लिए टाइम लेना। कहीं पे एडजस्टमेंट नहीं दिए, कहीं पे क्वेश्चन नंबर नहीं दिया तो उसको जरूर, ठीक है ना। और देखो कैसा होता ना, एक होता मेन आंसर, एक होता वर्किंग नोट। हमेशा याद रखना, मेन आंसर ऊपर, वर्किंग नोट नंबर 1, 2, 3, 4 नीचे। तो अपन क्या करते हैं कभी कभी, और लिखो यूज स्केल पेंसिल। वो ऐसा था ना, कुछ कुछ लोग डायरेक्ट चलवाते पर्टिकुलर अमाउंट और बीच में पेंसिल नहीं, वैसा मत करना। पूरा रॉक्स आपके दिमाग में छपना चाहिए। रॉक्स में अपन कैसा पद्धत से एकदम अच्छे से लिखते हैं, इज्जत से, वैसा ही लिखने आप। यूज स्केल पेंसिल। अब इसमें वो नहीं बोलूंगा मैं, बुलेट दे दो, लाइन मारो, क्योंकि वो EIS के लिए सूटेबल है। अब यहाँ पे क्या है कि अब मैंने आपको बता दिया क्योंकि न्यूमेरिकल्स है ना। हाँ, आप इकोनॉमिक लिखो, वाइल राइटिंग इकोनॉमिक्स फॉलो ऑल द रेगुलेशंस गिवन इन ESM। समझा मैं क्या बोलना चाहूंगा? इन क्या बोला मैंने, इन इकोनॉमिक्स फॉलो ऑल द रेगुलेशंस गिवन बाय रेगुलेशन ऑफ व्हाट, ESSM, लाइक बुलेट, मार्जिन, अंडरलाइन ऑफ इम्पोर्टेंट वर्ड्स, डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स। पूरा एग्जाम्पल्स भी इसमें भरने के, डायग्राम्स भी लिखने के। अरे डायग्राम तो मतलब जहाँ पे दिखा ना, डायग्राम तो छोड़ने का नहीं, एग्जाम्पल छोड़ने के। एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, अंडरलाइन, बुलेट, मार्जिन्स, ये पूरा ख्याल रखने का, एक्सेट्रा, ठीक है ना। डन। तो इसी तरह से ये बहुत ही अच्छे से आपको भी इसको फॉलो करें एंड वी आर डन विद द सिलेबस। या आई होप वी हैड अ ग्रेट टाइम इन इकोनॉमिक्स एज वेल एज FM, राइट? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दोज हु आर वॉचिंग मी ऑन लाइव स्ट्रीमिंग पेन ड्राइव गूगल ड्राइव, प्लीज सेंड मी योर फीडबैक। आई वुड लाइक टू नो हाउ डिड यू फील फॉर FM इको एंड ESM। And you all know my number 8669661234, right? Okay. So thank you so much, everybody. So finally, it was the last date of our class. देखेंगे जब भी अपने को मुझे, whenever I want to take SM lecture in next 1 or 2 days, मैं सोच रहा हूँ जैसे अपने आज economics revise किया है, तो ऐसा 2 घंटे 2.5 घंटे में पूरा SM भी, अगर आपको आनंद में inform कर दूँगा आपको, नहीं आया तो YouTube पे देख लेना, आया तो यहाँ देख लेना, बट अभी नहीं, 2-3 दिन में दे लूंगा, तब आ जाना अगर आना है तो। हाँ तो फिर वो भी कर लेना, ठीक है ना। कल देखता हूँ, थोड़ा मुश्किल लग रहा है कल, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम लाइव स्ट्रीमिंग, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू ऑल। टेंशन तो नहीं ना FM को, कभी टेंशन नहीं ना, 60+ ठोके आना बराबर से। थैंक यू, याद आएंगे आपके डांस, आपके टॉपिक्स, थैंक यू सो मच गाइस। और रियल लाइफ में FM जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, रियल लाइफ से कनेक्ट करके जरूर अपने लाइफ में करना। एक दिन आपकी भी एग्जांपल मैंने मेरी क्लास में देना चाहिए, मेरा स्टूडेंट था, देखो क्या बिलियनर का बिजनेस बनाए, $1 बिलियन यूनिकॉर्न बनाए,
love you guys. Take care. Miss you so much. Take care, guys. ये सुहाना सफर आज खत्म हो रहा है फाइनली. टेक केयर. मिनिस्टर बनेगा बेटा. ठीक है, बहुत आगे जाएगा. फाड़ देंगे, फोड़ देंगे, बिल्कुल आगे जाएंगे. आई वुड वेट फॉर योर फीडबैक गाइस. और एक इतना ही मैं कहना चाहूंगा, आप लोग फीडबैक भेजना मुझे, ठीक है ना? अच्छा लगता मुझे ऐसे पढ़ने को. थैंक यू, बाय बाय. बस का सर, मेरा नाम याद है ना सर आपको? सब याद सर. थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय. सबके नाम याद है. टेक केयर, टेक केयर, सी यू ऑल.